आपके पास जो नेचर है वो वेव नेचर है लेटर ऑन हमने यंग्स डबल सीट एक्सपेरिमेंट वगैरह में देखा या फिर हम हमने देखा था फोकॉल्ड पेंडुलम वगैरह में कि जो लाइट का नेचर है वो वेव नेचर होता है बट लेटर ऑन जब हम 1900 की बात करते हैं अराउंड 1900 तो हमें ये पता चलता है कि जो लाइट है उसका ड्वेल नेचर होता है कुछ फिनोमिना को समझाने में बेसिकली फेल हो जाता है अगर आप सिंपल पार्टिकल नेचर से डिफाइन करेंगे तो कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर से डिफाइन हो जाते हैं और कुछ फिनोमिना वेव नेचर से डिफाइन हो जाते थे तो हमारा सिंपल यह मानना कि सिर्फ पार्टिकल नेचर होता है गलत था तो हम ये कहते हैं कि लाइट का पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होता है यानी कि हमारा ड्वेल नेचर होता है ठीक है फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेव नेचर ऑफ लाइट किस तरीके से लाइट का वेव नेचर होता है तो हम कहते हैं कि अगर आप बात कर रहे हैं तीन आपके पास डायरेक्शन होंगी अगर मैं इस तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं सपोज आपकी वेव इस डायरेक्शन में चल रही है सपोज दिस इस दिस इज इज एक्स डायरेक्शन डायरेक्शन प्रोपेगेशन ऑफ ऑफ वेव तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वाई में होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इसका जेड डायरेक्शन में होगा आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए आपके पास तीन डायरेक्शन होती है एक्स वाई और जेड आप अपने रूम में भी बैठे हुए हैं वहां पे भी देख सकते हैं आपकी एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है सपोज एक्स एक्सिस आपकी प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन को डिफाइन कर रही है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपके पास ये एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपका वेव नेचर ऑफ लाइट आपको एक्सप्लेन करता है उसके साथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वेव नेचर है तो बच्चों आपने वेव नेचर की इक्वेशन पढ़ी होगी जैसे y इक्वल टू ए साइन उमेगा टी माइनस के एक्स फॉर्म में पढ़ा होगा या के एक्स माइनस उमेगा टी भी कभी कभी लिखते हैं तो यहाँ पे जो इस सेक्शन में मैं डिफाइन कर रहा हूं मैंने मान लीजिए वेव की जो डायरेक्शन है उसको जेड ले लिया है तो अगर मैं वेव की डायरेक्शन को जेड लेता हूं तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने y इक्वल टू ए साइन पढ़ा था a को एम्पलीट्यूड आप लोग बोलते थे तो अगर मैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट उसका डिफाइन करने जाता हूं तो e इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस उमेगा टी लिख सकते हैं एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इन के इज प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है जेड है तो आप इसको के जेड माइनस ओमेगा टी लिख देते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया ई e नॉट उसका मैक्सिमम एम्प्रीट्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट बोलते हैं और के आपका प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट या फिर उसको हम वेव नंबर के इज इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा होता है और जेड आपका ये मैंने अभी समझाई दिया उमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है तो अब इसके बाद हम लोगों ने देखा कि वेव नेचर है इस तरीके से वेव फॉर्म में वो ट्रेवल करेगा अभी मुझे इंटरफेरेंस समझाना है तो उसके लिए मुझे वेव नेचर की स्टडी होनी पहले समझ में होनी बहुत जरूरी है फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट की करते हैं क्रोम मीन्स क्रोमा मीनस होता है आपका कलर जैसे आप लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं तो आप गूगल क्रोम में भी देखते हैं तो वो कलरफुल बनाए रहते हैं आपने देखा होगा तो क्रोम मीन आप कलर की बात करते हैं मोनो मींस होता है सिंगल तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है अगर हम एक ऐसे सोर्स की बात कर रहे हैं जिसके पास सिर्फ एक ही कलर होगा बच्चों कलर का मतलब होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ तो ऐसे सोर्सेज या ऐसी लाइट जिसके पास सिंपल एक कलर होता है या फिर जिसके पास सिर्फ एक वेवलेंथ होगी उसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं विजिबल लाइट जैसे इन्होंने समझाया है यहाँ पे हमने लिखा है कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है थ्री फाइव डबल जीरो टू सेवन एट डबल जीरो होती है एवरी सिंगल वेवलेंथ ऑफ दिस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर हम किसी सिंगल की बात कर रहे हैं तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाएगा फिर हमने कहा ऑर्डिनरी और व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट किसको बोलते हैं या ऑर्डिनरी लाइट किसको बोल रहे हैं जो लाइट आपको नॉर्मली आप देख रहे हैं आपके पास जैसे आप बाहर जा रहे हैं आपके पास सन से जो लाइट आ रही है नॉर्मल इसको हम ऑर्डिनरी लाइट बोल देते हैं या फिर व्हाइट लाइट की बात हम जब करते हैं जिसके पास सेवन कलर होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब सी एफ एल एलईडी कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ एंड नॉन क्रोमेटिक नॉन मोनोक्रोमेटिक तो मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसके पास सिर्फ एक कलर होगा व्हाइट लाइट से बना होता है सेवन कलर होते हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे हम लोग बोल देंगे उसको नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं तो हमें पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट पता होना चाहिए क्योंकि सोर्सेस को हम लोग मोनोक्रोमेटिक लेकर के सॉल्व करेंगे जब हम इंटर मैंने बोला था हम अपने लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इंटरफेरेंस पार्ट वन एंड इंटरफेरेंस पार्ट टू तो पे आप ध्यान दीजिए फिर हमने बात कर रही है फेज डिफरेंस एंड कोहरेंस की बात कर रहे हैं कोहरेंस दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप सोर्सेस की बात करते हैं तो इंटरफेरेंस के लिए सोर्सेस का कोहरेंट होना बहुत जरूरी है अगर सोर्सेस कोहरेंट होते हैं तभी आपका इंटरफेरेंस होगा और उनके बीच में फेज डिफरेंस होना भी बहुत जरूरी है दिस इज नेसेसरी कंडीशन अगर आप बोलते हैं कि फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस नहीं होगा तो इंटरफेरेंस जैसी फिनोमिना नहीं होती है जैसे आपने बोला वेव इज बेसिकली वेव क्या होता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग वेव बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल पानी में मैंने पत्थर फेंक दिया अगर मैं पानी में पत्थर फेंकता हूं बच्चों तो क्या होगा आपने देखा होगा पानी में पत्थर गिराते हैं तो वो पत्थर से जो जहां पे मैं फेंक रहा हूं वहां पे तो डिस्टरबेंस होता ही होता है लेकिन वो डिस्टरबेंस वहां से दूर की तरफ भी जाता है तो वो जो आपने उस पानी में जहां पे पत्थर मारा है वहां पे आपने एनर्जी ट्रांसफर की वो एनर्जी उस जगह से आगे की तरफ को फ्लो होते जाती है दिस इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी और जब जिस मीन से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी होता है या डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी प्रोपेगेट करता है सिंपल शब्दों में मैं बोलूं तो मैं उसी को हम लोग वेव बोलते हैं इन वेव मोशन थ्रू अ मीडियम द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट होंगे और अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर एक्स एक्सिस अगर जेड में आपकी वेव ट्रेवल कर रही थी जैसे वहां पे तो अगर एक्स में आपका इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट होगा तो बच्चों में आपका मैग्नेटिक टर्म होगा। the, the term phase describe the position and motion. अभी इक्वेशन होता है, अगर मुझे इसको बहुत आसान शब्दों में समझाना है तो मैं फेज ऑफ वेव को आपको इस तरीके से एक मिनट डायरी देना फेज ऑफ वेव को मैं इस तरीके से आपको डिफाइन कर सकता हूं देखिए जैसे आप मान लीजिए आप फेस की बात कर रहे हैं आपके पास ये दो कॉपियां हैं ठीक है आप इनको घुमा रहे हैं आप इस तरीके से रखते हैं देखिए पहले तो आप इसको समझने की कोशिश करिए दिस इज 90 डिग्री दिस इज अगेन 90 फिर 90 फिर 90 तो आपके पास ये 360 डिग्री हो गया ठीक है तो इसको मैं टोटल टाइम टी बोल देता हूँ एक राउंड घूमने में टी हो गया दिस इज टी बाई फोर टी बाई फोर टी बाई फोर अगेन टी बाई फोर तो फोर इंटू टी बाई फोर अगर आप करेंगे तो वो टी निकल के आएगा तो बच्चों यहाँ पे फेज की बात क्या करते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो कॉइल हैं आप इन्हीं को घुमा रहे हैं अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो बोथ आर इन सेम फेज अगर आप इस तरीके से घुमाना शुरू करते हैं ये वाली दोनों स्टार्टिंग पोजिशन ये है सपोज मैं इस बुक को स्टार्ट यहां से कर रहा हूं और ये ऐसे रखी है तो कितने डिग्री का हो गया नाइन्टी डिग्री का या तो आप इसको नाइनटी डिग्री का फेज बोलिए या फिर मैंने आपको बताया था कि एक राउंड घूमने में जो टोटल टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं और ये टोटल 360 डिग्री होता है तो चार पार्ट में 90, 90, 90, 90 तो एक 90 टी बाई फोर हो गया तो टोटल अगर टी है तो एक 90 आपका टी बाई फोर हो गया तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि ये वाली जो बुक है नाइनटी डिग्री फेज में लीड कर रही है या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैं टी बाई फोर बोल देता हूं तो यहां पे उन्होंने क्या लिखा है साइकिल अभी बताया मैंने कि 360 सिक्सटी डिग्री के बाद वो अपने को रिपीट करेगा अब आपको देखना है जैसे दो सोर्सेस की बात करनी है तो फॉर एग्जाम्पल मुझे बेस्ट अभी यही समझाने के लिए लग रहा है बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं नहीं यहाँ पे तो देखिए आपको 360 डिग्री की अब बात करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का फेज है तो हम जब इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो हमको पता है कि जिन दो सोर्सेस के बीच में हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे होते हैं उन दोनों में फेज डिफरेंस बहुत जरूरी है फेज डिफरेंस ही डिसाइड करेगा उनके बीच में जैसे हम फाइनल एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बोलते हैं ए इज इक्वल टू इज फेज समटाइम्स इट इज रिटर्न एज फाइव और समटाइम्स वी वी राइट इट एज समटाइम्सा तो बच्चों अगर फाइव या थीटा में बोलता हूं उसको तो थीटा की वैल्यू आपकी जीरो रखोगे 90 रखोगे वन एटी रखोगे तो थीटा की अलग अलग वैल्यू आएंगी वही डिसाइड करने वाली है कि उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फाइव को जीरो डिग्री रख दिया तो कॉस जीरो कितना होता है प्लस वन तो फॉर्मूला हो जाएगा अंडरूड स्क्वायर प्लस ए टू प्लस टू वन ए टू यानी कि होल स्क्वायर स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो एवन प्लस ए टू आ जाएगा फेज की अब देखिए फेज में मैं इस फाई को चेंज करके बच्चों सपोज मैं मैं इसको चला जा रहा है अगर फेज को जीरो डिग्री रख रहा हूँ वन एट्टी डिग्री रख रहा हूँ तो वो मिनिमम हो जा रहा है तो ये इस चैप्टर में इंटरफेरेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए फेज को समझना फिर हम लोग बात करते हैं फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो जैसे ये वेव देखिए ये जीरो से स्टार्ट हो रही है ये इधर से स्टार्ट हो रही है तो इन्होंने बोला कि देखिए इनके बीच में मान लीजिए फेज ठीटा का है तो हम इस तरीके से वेव मोशन दिखाते हैं और यहाँ पे आपका ये अभी यहाँ इधर पहुंच गया है या इस पोजिशन को उन्होंने बेस पॉइंट मान लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से जाके इसको बेस पॉइंट तो ये जो डिफरेंस आएगा इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे पहुंचने में उसको हमने थीटा बोल दिया है दिस इज फेस डिफरेंस अब बात करते हैं कोहरेंस की जैसे हमने ये डायग्राम अभी आप बात करेंगे कोहरेंस है तो वेव्स वेव्स आपकी जो में phase, और <coughs> हो, या फिर कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस होना जरूरी है तो कोहरेस के लिए हम बोलते हैं कि अगर उनमें फेज डिफरेंस है सपोज यहाँ पे नाइन्टी डिग्री का मैंने फेज डिफरेंस बोला है तो थ्रू आउट दी मोशन ये 90 डिग्री ही बना रहना चाहिए same phase, zero phase. फिर है ऑप्टिकल पाथ एंड ज्योमेट्रिक पाथ ऑप्टिकल पाथ को ऐसा समझाना है मान लीजिए आपको रोड में आप ऐसा समझने की कोशिश करो आपको रोड में चलना है 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है एक आपके साथ दूसरा पार्टनर है उसको भी 100 मीटर की ट्रेवल कर रही है मैंने मैंने दोनों में एक डिफरेंस कर दिया मैंने आपको आपको प्योरली बोला कि 100 100 मीटर मीटर चलना है, है सपोज और आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा हुआ है सिंपल मैंने यहाँ पे बोल दिया आपके लिए मैंने एयर रख दिया है ठीक है एयर मतलब यहाँ पे आप चलेंगे तो एयर मीडियम दूसरे वाले के लिए जिसको चलना है मैंने उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी एराइज कर दी यहाँ पे मैंने पानी लग दिया मान लो यहाँ पे पानी है इतनी जगह पे ऐसे नदी बह रही है आप ऐसे ऐसे सोच लो नदी बह रही है इतने में ठीक है अब आप सोचिए जरा आपको यहाँ चलना है आप पूरा एयर में चल रहे हैं और ये जो चलने वाला है इसके लिए बीच में मीडियम हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है दोनों की जो पाथ है वैसे तो आप अगर देखोगे तो हंड्रेड मीटर है लेकिन इस मीडियम की वजह से इस व्यक्ति को चलने में डिफिकल्टी ज्यादा होगी और अगर ये पानी की जगह मान लो और शहद होता तो और डिफिकल्टी और ज्यादा हो जाती तो यही हम लोग ऑप्टिकल पाथ की बात करते हैं पानी जो है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा शहद का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो हम सिंपली क्या कर देते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक पाथ जो होता है उसको मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं कहने का मतलब है मैं अगर फेयर होके सोचना शुरू करूं मैं दो लोगों की रेस करा रहा हूं आपकी और आपके साथ किसी की मान लो

100 मीटर ना रख करके इसको या तो इसको 100 मीटर रहने दो आप कोई दिक्कत नहीं है इसके पास 1.5 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के मीडियम में चलना है सपोज ये वाटर वाटर है example, है फॉर एग्जांपल का 1.5 तो इसको 1.5 इंडेक्स के मीडियम में चलना है अब जो इस दूसरे वाले की बात आप करने वाले है, तो वाले हैं तो दूसरे के लिए क्या होगा आपको इस फॉर्मुले के हिसाब से जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है म्यूएल के हिसाब से आपको इस लेंथ को डेढ़ सौ कर देना चाहिए वन पॉइंट फाइव इंटू सो तो आप बोलोगे अगर ये लड़का डेढ़ सौ मीटर की रेस लगाता है और ये सौ लगाता है तो दोनों के लिए हमारा पाथ सेम हो जाएगा

सुपरपोजिशन इसी को मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो अकॉर्डिंग टू क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हम देख रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यंग्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इफ टू और मोर वे आर ट्रेवलिंग एंड ओवर लेफ्ट On each other at any point, then the resultant displacement is given by y is equal to y1 plus y2 because both are wave. And the representation of wave in mathematical formulation is simply y is equal to a sine omega t. And we have used y1 is equal to a1 sine omega t means the amplitude of this wave is a1 and this wave is a2. Then resultant is y is equal to y1 plus y2 as you are seeing in this screen. Now after learning all these uh, basic terms, we are going to discuss about the principle, uh, the interference. What is interference? सिंपल इंटरफेरेंस क्या होता आप ध्यान से कुछ है कुछ टर्म्स है तो हम जीरो से स्टार्ट एंड तक डिलीवर हो ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रही है इसको मैं बाद में कर, कर दूंगा अब सेम फ्रीक्वेंसी नियरली सेम एप्लीट्यूड अब ध्यान से सुनना दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है बच्चों जैसे मैंने बोला इसको यहां ये देखिए ये 2020 वाला लिखा हुआ है घूम जाए, जाए, इस जाएगा ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसी तरीके से वेव अगर ट्रेवल कर रही है तो कितने बार वो अपने आप को रिपीट करेगी वो फ्रीक्वेंसी होती है तो मैंने कहा कि सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए बात सुनना इंटरफेरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोल रहा हूँ सेम फ्रीक्वेंसी नियरली सेम एम्प्टीट्यूड एम्पीट्यूड लगभग अगर एक का टेन होगा तो एक का नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट नाइन होना चाहिए A1, ए टू हम लोग डिफाइन करेंगे नियरली सेम एम्पटिट्यूड होते हैं एंड हैविंग कांस्टेंट फेज अभी बोला था देखिए ये लाइन फिर से आ गई कोहरेंस अब अगर आपको पता चलता है कि अगर हैविंग कॉन्स्टेंट फेज की बात कर दिया कि कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस है तो इसका मतलब हो गया कि वो जिन दो सोर्सेज की बात कर रहा है टू लाइट सोर्सेज की वो कोहरेंट है एंड इज इज द द पॉइंट इट नेसेसरी फॉर इंटरफेरेंस अगर होगा तो इंटरफेरेंस होगा कोहरेंस नहीं होगा कोहरेंट सोर्सेज नहीं होंगे तो आप कुछ भी करो इंटरफेरेंस होने वाला नहीं है तो कहने का मतलब है दो लाइट वेवस की जब हम बात कर रहे हैं उनकी सेम फ्रीक्वेंसी कंडीशन पे ध्यान दो और एम्पलीट्यूड उनका क्या होना चाहिए नियरली सेम होना चाहिए

कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर इंटेंसिटी आपकी ज्यादा हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है तो वो पॉइंट जहां पे इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम होती है उनको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं और जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं ठीक हो गया ये यह सब यहाँ पे लिखा हुआ है ये हम लोग ड्राइव भी करने वाले हैं अभी तो हमने इस तरीके से इसको वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है दो वेव को हमने साथ में लेकर के कि किस तरीके से किन पॉइंटों पर उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी कहां पे मिनिमम होगी इस पर भी अभी थोरिटिकल uh, पार्ट मुझे कराना है यही सब चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको बोला था कि और ऐसे पॉइंट जहां पे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहां पे ब्राइट फ्रेंजेस मिलती हैं और जहां पे डिस्ट्रक्टिव होता है वहां पे आप उसको डार्क फ्रेंजेस मिलते हैं जैसे आपने स्क्रीन देखी होगी टीवी वगैरह में या पहले से अभी जो टीवी में जब अभी कभी कलर वगैरह चले जाए मान लीजिए वो ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत ज्यादा देखा होगा वो झिलमिल टाइप का आ जाता था व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट टाइप के तो वो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न उसी तरीके से है जो आप वाइट पॉइंट दिख रहे हैं वो व्हाइट पॉइंट आपके ब्राइट फ्रिंजेस हो गई और जो उसमें ब्लैक पॉइंट दिख रहे हैं वो आपकी डार्क फ्रिंजेस हो जाएंगी अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं ये सब चीजें देख करके थ्योरी ऑफ सुपर इम्पोजिशन सुपर पोजिशन आप देखिए यहां पे क्या है अगर आपके पास दो वेव्स हैं जिनके हम लोग बात करते हैं y इज इक्वल टू हमने कहा एक वेव है वाई वन इज इक्वल टू ए वन साइन बस इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं बाकी मैं मैथ्स को तो थोड़ा सा फास्ट डीप करा सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं एवन और ए टू है बच्चों ध्यान से सुनना क्या बोला था स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड होना चाहिए तो क्या दिख रहा है आपको एक का एम्पीट्यूड एवन है एक का A2 है फ्रीक्वेंसी सेम ओमेगा ओमेगा क्या होता है टू पाई कुछ बच्चे टू पाई न्यू बोल देते हैं कुछ लोग टू पाई एफ बोलते हैं तो न्यू बोलो या एफ बोलो फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे भी उमेगा लिखा हुआ है और यहाँ पे भी उमेगा लिखा हुआ है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये कहना चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी सेम है इक्वेशन लिखते वक्त ध्यान से देखना है प्लस डेल ये डेल जो है ये कांस्टेंट इसमें देखो इसमें और इसमें इसके पास सिर्फ ओमेगा टी है इसके पास ओमेगा टी प्लस

आपने ए साइन फाइव के टर्म से इसको लिख दिया सॉरी तो आपकी साइन वे जो जनरल हम लोग याद जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए की बात करोगे उसमें क्या करते हैं

तो एवन स्क्स ए टू स्क्स टू एवन ए टू कॉस डेल ये रिजल्टेंट आ गया इन दोनों इक्वेश को डिवाइड कर दो आप तो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे अपॉन आपको पता है टेन होता है तो ये आपकी टेन वाली इक्वेशन आ गई ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हैं तो आपने बोला कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और ब्राइट रेंज कंडीशन मैक्सिमा कब मिलता है जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है इंटेंसिटी मैक्सिमम करने के लिए मुझे करना क्या है देखिए एम्टीट्यूड का फॉर्मूला ये है एवन स्क्वायर प्लस ए टू प्लस टू एवन ए टू कॉस डेल अब यहाँ देखो एवन और ए टू कॉन्स्टेंट है कॉस डेल आपका वेरिएबल है फेज इसकी हम बात कर रहे हैं अब डेल की वैल्यू अगर आप यहाँ पे प्लस वन लिखेंगे कॉस डेल क्या होता है प्लस वन से माइनस वन के बीच में वेरी करता है प्लस वन उसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अब आप यहाँ पे कॉस डेल की जगह प्लस वन लिखोगे तो एवन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्स टू एवन ए टू आ जाएगा तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा और अगर कॉस डेल की जगह माइनस वन लिखोगे तो एवन माइनस एटू का होल स्क्वायर हो जाएगा जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ठीक है मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कॉस डेल की जगह प्लस वन लिख दिया और यहाँ पे कॉस डेल इज इक्वल टू प्लस वन टू एन पाई टू एन पाई पे आपकी वैल्यू होती है एन की जगह जीरो जीरो रखो डेल की जगह जीरो पे वन होता है फिर वन लिखो टू पाई कॉस टू पाई वन राउंड पूरा घूमने के बाद फिर प्लस वन हो जाता है फिर टू पाई फोर पाई सिक्स पाई तो मतलब इस पॉइंट पे जैसे आप इस तरीके से बनाते हैं ये जीरो हो गया मान लीजिए तो एक चक्कर घूम के टू पाई फिर फोर पाई यहाँ पे इन पॉइंटों पे आपका उसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी तो इसलिए एन इक्वल टू जीरो लिख दिया हमने और यहां पे देखेंगे इसको रखने के बाद a1 a2 का होल स्क्वायर इंटेंसिटी जो होती है एम्प्लीट्यूड का स्क्वायर होता है बच्चों तो a1 a2 का स्क्वायर हो गया ठीक है a स्क्वायर की वैल्यू देयरफॉर फॉर डेल इज इक्वल टू 2n पाई आपने लिखा है 2n पाई n की जगह 0 1 2 3 लिखो 0 2 पाई 4 पे तो मैं कह रहा हूँ कि जहां पे दो वेव्स अगर उन पॉइंटों पे मिले उनके बीच में फेज जीरो हो जब वो इंटरफेयर करती है अगर उनके बीच की जीरो, पाई, पाई, वगरा वगरा होती है तो उनके बीच में कैसा होगा ब्राइट फ्रिंज मिलेंगी मैक्सिम अगर करने वाला है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए आपके पास ये फॉर्मुला होता है फेज डिफरेंस इक्वल टू टू पाई अपॉन लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस आपके पास पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू बाय टू पाई

आप एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री लिखने वाले हैं तो आपके पास क्या होने वाला है यहां पे देखो आपने कहा वो पॉइंट जहां पे फेस जीरो पे पार्ट डिफरेंस होगा उन सारे पॉइंटों पे आपका क्या वाला मिलने वाला है आपको मैक्सिमम मिलने वाला है यानी कि ब्राइट फ्रेंज मिलने वाली है इसी तरीके से मिनिमा की कंडीशन होती है वहां पे आपके पास आपने कॉस्ट डेल की जगह माइनस वन लिख देना है एवन माइनस ए टू का होल स्क्वायर हो जाएगा तो आप ऐसे पॉइंटों की बात कर रहे हैं जहां पे फेज सुनना मेरी बात वहां पे जीरो था। तो 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 और के बीच बीच में में आ आ जाएगा। जाएगा, तो लिखा है, देखो, 0 उसके फिर फिर आपका आएगा, आएगा। इन तो इन सारे पॉइंटों पॉइंटों की जब हम बात करते हैं, तो इन पे हमारे पास मिनिमा मिलने वाला है या फिर जीरो और लेमडा जीरो मिनिमा मिलता है ठीक है फिर इसके बाद इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है एवन प्लस ए टू का होल स्क्वायर लिख दिया हमने मिनिमम इंटेंसिटी हमारे पास ये रिलेशन होगा एवन माइनस ए टू की बात कर लेंगे बच्चों तो स्क्वायर स्क्वायर प्लस ये देखिए अब आपने कहा अगर एवन ए टू के बराबर हो जाएगा तो मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी अब एवरेज द एवरेज इंटेंसिटी इज गिवन भाई एवरेज निकाल रहे हैं तो ध्यान से समझना आई एवरेज इंट्रीगेशन जीरो आई डी डेल अपॉन इंटीग्रेशन डी डेल ठीक है इसको सॉल्व करते हैं बेसिक फॉर्मूला है ये एवरेज निकालने का जैसे आप लोग जनरली निकालते हैं एवरेज में सम करके अपॉन सम अपॉन टोटल नंबर बोलते हैं तो वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन की फॉर्म में होता है जिस फंक्शन का आपको एवरेज निकालना होता है सपोज आप एक्स का एवरेज निकालना है तो इंट्रीगेशन एक्स डीएक्स कर देंगे यहाँ पे अपॉन इंट्रीगेशन डीएक्स कर देते हैं तो उसके हिसाब से सॉल्व किया तो आप ये ध्यान दीजिए ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर आ रहा है तो एवरेज इंटेंसिटी एवन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर आने का मतलब क्या होता है मैं आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा देता हूं देखिए जैसे हम बोलते हैं ना किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई किसी पे मिनिमम हो गई तो क्वेश्चन ये आता है कि इस पे जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आई कहां से तो ये आपका कहना चाह रहा है कि एवन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर है एवरेज तो कहने का मतलब है जिन पॉइंटों पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई है उन पॉइंटों को इंटेंसिटी उन पॉइंटों ने दे दी है जिनके पास इंटेंसिटी मिनिमम है फिर से समझिए ना जैसे मान लीजिए अब चार लोग चार या ऐसे मान लीजिए एक दो तीन चार पांच लोगों को मैंने बैठा दिया सबको मैंने सौ 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 रुपए दे रखे हैं ठीक है अब सडनली क्या होता है कि पहले नंबर तीसरे नंबर पांचवे नंबर पे बैठे हुए व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं और दूसरे और चौथे के पास कम पैसे हो जाते हैं तो पहला तीसरा पांचवा ऐसे पॉइंट हो गए जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है और दूसरा और चौथा ऐसे पॉइंट हो गए जहां पे इंटेंसिटी आपकी मिनिमम है तो भाई उसके पास पैसे कहाँ से है टोटल पैसे पांच सौ रुपए दिए थे तो ऐसे सोचिए आप वो कह रहा है कि जो दूसरे नंबर में बैठा हुआ था उसने मान लो अपने उसने का क्या रखा है 48 रुइस इसको दे देता हूं 48 रुइस इसको दे देता हूँ बगल वाले को 48 वन को दे दिए 48 इसको दे दिए तो इसके पास 148 इसके पास भी 148 इसके पास टू रह गए तो ये मिनिमम तो कहने का मतलब है कि पहला तीसरा और पांचवा अमीर बने हैं क्यों बने हुए हैं 1 और 5 तो इस तरीके से बच्चों हम लोग बोलते हैं कि जब हमारे पास बात होती है किसकी जब हम बात कर रहे होते हैं इंटरफेरेंस की एवरेज इंटेंसिटी निकालने की तो एवरेज इंटेंसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि बाहर से एनर्जी कहीं से नहीं आ रही है जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है आपके मिनिमा वाले पॉइंट मैक्सिमम वाले पॉइंट को यह चीज दे दे रहे हैं फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरफेरेंस डिविजन ऑफ वेफ फ्रंट एक आपका डिवीजन ऑफ वेफ फ्रंट पढ़ रहे हैं और आप एक लोग एक पढ़ने वाले डिविजन ऑफ एंप्लीट्यूड अभी जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं वो हमारा डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट की बात कर रहे हैं वेवफ्रंट हाइगेंस की थ्योरी आपने पढ़ी होगी जिसमें उसने बोला था ऑल द ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेवफ्रंट जैसे आप बोल दो मान लो एक बल्ब जला है उसके चारों तरफ एक फुटबॉल बना दिया आपने तो अगर सेंटर पे रखा हुआ है तो लाइट फुटबॉल के कॉर्नर्स पे एक साथ पहुंचेगी वो सारे के सारे पॉइंट एक साथ वाइब्रेट होंगे उसी को हम लोग बोल देते हैं सिंपली वेब फ्रंट की बात कर देते हैं हालांकि फुटबॉल तो मैंने बनाई हुई है वो आपने एक इमेजिनरी ले लेना है तो डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड सेकंड पार्ट है जिसमें से न्यूटन रिंग बनने वाली है ठीक है तो फिर यंग्स डबल सिलेड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं ये डिवीजन ऑफ वेब फ्रंट की बात करेगा अब देखिए यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट यंग ने आपका परफॉर्म किया है ये इसका ऑपरेटर्स है थोड़ा सा यहाँ पे S1 और S2 दो आपके आप ध्यान से सुनना है पीछे एक सोर्स होता है ये दो स्लेट्स है मतलब आप मान के चलो एक पर्दा लटका हुआ है पर्दे के पीछे बल्ब जल रहा है मुझे नहीं दिख रहा है बल्ब जल रहा है पर्दा लटका हुआ है अब पर्दे में तो छोटे से छेद है आप पर्दे की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा लाइट ये 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 होल्स से आ रही है तो आपके लिए वो होल्स जो है सोर्स की तरह काम करे बट एक्चुअली दीज एसवन एंड एस टू आर नॉट सोर्स अगर आप बात करें सोर्स तो कौन है सोर्स तो आपका एस है लेकिन एसवन और एस टू आपको सोर्स की तरह एक्ट करेंगे तो ये आपके पास दो सोर्सेज होते हैं लेकिन बार बार बोल रहा हूं एक ही होना चाहिए सोर्स इसके पीछे एक सोर्स रखा जाएगा ठीक है अब ऐसा मत सोचो कि आपने कहा अच्छा मैं एक सोर्स यहाँ ले लेता हूँ एक यहाँ ले लेता हूँ मान लो दो बल्ब ले लिया तुमने और तुम कह रहे हो चलो अब इंटरफेरेंस कर ऐसा नहीं होने वाला है सोर्स आपको एक ही रखना है एक सोर्स होगा उससे क्या होने वाला है जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी कैसे फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और उसके अलावा आपके पास फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए एमडीट्यूड आपका बच्चा सोचेगा मैं ऐसा बना देता हूँ सोर्स बेटा पॉसिबल नहीं होता बना पाना होता तो भी बना ही देते कैसे पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जम्प करता है हायर से लोअर में जम्प करेगा तो अब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टेन एस टू दी पावर माइनस एट सेकंड तक अपर स्टेट में रहता है अब वो जम्प करेगा तो हमें जो है पता है कि दोनों के दोनों सेम एक साथ जम्प करने वाले हैं तो फेज अगर उसमें फेज वेरिएशन आ जाएगा तो इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी इंटरफेरेंस की कंडीशन के लिए फेज को कॉन्स्टेंट रहना जरूरी है ठीक है ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है कि भाई ये दो स्लिट्स है एस वन एस टू इनके बीच की डिस्टेंस टूडी है इसका सेंटर हो गया एम एस वन एस टू का सेंटर से आपके ओ पे ये स्क्रीन रखी हुई है ये सेंटर स्क्रीन का ओ हो गया यहाँ से कोई पी पॉइंट है पी पॉइंट पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि क्या होने वाला है पी पॉइंट पे तो देखो एक एस वन से लाइट जाएगी एक लाइट जाएगी आपकी एस टू से अंतर क्या है कोई बच्चा भी बता सकता है छोटा सा कि S1 से जो लाइट जाएगी उसको कम पार्ट ट्रेवल करना पड़ेगा और S2 वाली को ज्यादा पार्ट ट्रेवल करना पड़ेगा तो अगर मैं बात करता हूँ तो देर विल बी अ पार्ट डिफरेंस तो पार्ट डिफरेंस के लिए मुझे करना है तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा ठीक है घर में खुद से बैठ के करते रहना देखो एस से यहाँ पे बी पे परपेंडिकुलर डाला तो एस डाल दीजिए तो देखो ये एस से लेके पी तक और ये बी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो सेम हो जाएगी तो पार्ट डिफरेंस होगा आपका एस ठीक है ऐसे ही समझा समझ लेते हैं एक ट्राइंगल बनकर यहाँ पे सोचो S1 S2 और टू यहाँ पे B ठीक है अब यहाँ पे हम लोग बच्चों के एंगल ले लेते हैं मान लीजिए है, हमने यहाँ पे ठीठा ले लिया है ये एंगल ठीटा है तो आपके पास ये वाला जो एंगल यहाँ पे निकल के आएगा ये भी आपका ठीठा होगा मैं फिर बोल रहा हूँ कॉपी में खुद से बना सकते हैं रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में दे, दे देंगे हम लोग इसकी ये आपने परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे आपने बी लिख दिया यहाँ पे एंगल आपने ठीठा लिख दिया ट्राइंगल एस वन एस टू बी की बात करते हैं तो पार्ट डिफरेंस कितना था एस टू बी ठीटा के सामने का क्या होता है परपेंडिकुलर ये आपने 90 के सामने आपका हाइपोटेनियस हो गया एस टू बी अपॉन एस वन एस टू करोगे एस टू बी हैं आप थीटा तो तो बोलते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ तो ये वाला जो एंगल होगा बच्चों ये भी थीटा होगा ठीक है अभी मैंने क्या बोला था एस टू बी इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा अब आप इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो सेम इसमें भी ऐसा ही होगा यहाँ से भी आप साइन थीटा निकाल सकते हैं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटी परपेंडिकुलर आपका वाई हो गया और हाइपोटेनियस हो गया आपका एमपी ठीक है ये बच्चों अगर आप इसको कैपिटल डी बोल रहे हैं इसको आप वाई बोल रहे हैं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी अंडरूड वाई स्क्र प्लस डी स्क्वाइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी वाई अपॉन अंडरूड वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और वहां थी एस टू बी जो था वो था एस टू बी जो था आपके पास वो था टू डी साइन थीटा तो टू डी इंटू साइन थी टू डी इंटू वाई अपॉन अंडरूड आप लिख देंगे क्या वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर फिर हम बोल देते हैं कि जो y है वो बहुत कंपेरेटिवली छोटा होता है तो वाई स्क्र तो और छोटा होगा उसको हम छोड़ देंगे तो सिर्फ डी स्क्वायर लेते हैं तो डी है, तो फॉर्म में बन जाएगा अभी देखो यहां पे सब एक्सप्रेशन हो रहा है अब एक साथ ये डायग्राम भी दिखाना ये सारी चीजें सॉल्व किए हैं देखो जो मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से हमने इसको मैथामेटिकल पोर्सन सॉल्व किया है तो आप यहाँ पे देखेंगे पार्ट डिफरेंस आप निकालेंगे तो टू वाई डी अपॉन डी जो बच्चे कैच कर रहे थे बोलते बोलते उनको शायद समझ में आया होगा नहीं भी हुआ तो बच्चों परेशान नहीं होना है आप बाद में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं मैंने फिर बोल देता हूँ देखो ये थीटा डाला यहाँ से एक परपेंडिकुलर एस टू बी ठीक है तो ये पार्ट डिफरेंस होगा आपका एस टू बी एस टू बी आपका परपेंडिकुलर नाइन टी के सामने का हाइपोटेनियस एस टू बी अपॉन एस वन एस टू आपका साइन थीटा होगा तो एस टू बी यहाँ से आपका टू डी साइन ठीटा निकलने वाला है इस, इस ट्राइंगल में अगर आप बात करते हैं तो साइन थीटा आपका निकलने वाला है वाई अपॉन ये वाली साइड और ये वाली साइड होगी अंडरूड वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हम कहते हैं कि ये जो y है कंपेरेटिवली बहुत छोटा होता है d के तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है वाई अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर ठीक है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो वाई अपॉन डी एस टू बी कितना था टू डी साइन थीटा तो टू डी इंटू साइन थीटा साइन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन डी है तो टू वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी आ जाएगा आपका पार्ट डिफरेंस ठीक है ये हमने पार्ट डिफरेंस निकाल दिया यहां देखो टू वाई डी अपॉन डी अब हमने बोला था कि अगर डिफरेंस के दिया गया, तो ये आपकी एनएच ब्राइट फ्रिंज की पोजिशन हो गई ब्राइट फ्रिज कहां पे, बनने वाली है, तो इस पे आपकी एनएच ब्राइट फ्रिंज बनने वाली है ठीक है आप इस तरीके से देख सकते हैं फिर ऐसे ही आपको एनएट डार्क फ्रिंज की बात करनी है तो आपने ये टू वाई डी जो वैल्यू निकाली थी यहाँ पे इसको आपने टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू के बराबर माइनस वन लेमडा बाई टू पीछे मिनिमा की कंडीशन में पढ़ाया था तो ये एनएथ आपको डार्क uh, फ्रिंज की पोजीशन पता चल जाएगी कि ये सेंटर से डार्क फ्रिंज कितने दूर पे एनत मतलब दसवीं बारहवीं पंद्रह किसी की भी बात करते हैं फिर फ्रिंज बिट की बात करते हैं तो दो कॉन्सिक्यूटिव फ्रिजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग फ्रिंज बिट बोलते हैं वो आएगी आपकी डी डीलेमडा अपॉन टू डी आ जाती है ठीक है अब कोई बच्चे का दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि सर मैंने तो बुक में पढ़ा था डी डीलेमडा अपॉन डी लिखा था तो बच्चों ये डी थोड़ा सा यहाँ पे एक स्मॉल डी होगा बड़ा डी ऊपर रहता है स्मॉल डी रहेगा ठीक है तो एक बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर मैंने तो डी अपॉन स्मॉल डी पढ़ा हुआ था तो, मतलब स्मॉल डी पढ़ा था टू डी तो पढ़ा नहीं था तो बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैंने यहाँ पे स्क्रीन को यहाँ पे जो समझाने के लिए यहाँ पे मैंने इसको टू डी लिया हुआ है ठीक है बुक में आप अपनी बुक में देखना अगर आप किसी बुक में पढ़ रहे हैं तो वहां पे हो सकता है डी लिया होगा तो डी लिया होगा तो फॉर्मूले में डी आ जाएगा टू डी लेके चलोगे तो आप टू डी आ जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वो लेकिन आपको ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा फ्रिंजविट तो आपने निकाल लिया फिर आप बात करें कोहरेंस लेंथ एंड कोहरे टाइम में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं तो इस पार्ट को हम लोग थोड़ा सा अभी स्किप कर सकते हैं यह भी बहुत ज्यादा आपके लिए इस टॉपिक में ऐसा है नहीं फिर थोड़ा सा टाइम भी बहुत हो रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ कंडीशन फॉर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस ये भी डिस्कस कर लिया था कि भैया फ्रीक्वेंसी उनकी सेम होनी चाहिए और जो एम्पलीट्यूड है लगभग सेम होना चाहिए और कोहरेट सोर्सेज होने चाहिए और की डेफिनेशन मैंने बता दी थी आपको कि वो क्या होना चाहिए थ्रू आउट फेस जो रहेगा वो उसका कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं ये इन स्किप्स को स्लाइड्स को मैं थोड़ा तेजी से स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ अब इंटरफेरेंस इन थिन थी न्यूटन रिंग बच्चे सोचेंगे इतनी देर में न्यूटन रिंग स्टार्ट हो रहा है बच्चों न्यूटन रिंग समझने के लिए जरूरी था कि पहले इंटरफेरेंस की बेसिक समझ को हमें समझना तो अब यहां ध्यान दीजिए अब इस तरीके से समझ के चलिए मान लीजिए ग्लास प्लेट है फॉर एग्जाम्पल मान लेना है कि ये ग्लास प्लेट है इस पे जब लाइट आप डालेंगे तो देखो क्या होता है दो चीजें होने वाली है एक तो लाइट इसमें पड़ करके कुछ पार्ट उसका टकरा के चला जाएगा जैसे पानी वगैरह देखते होंगे जैसे मान लो इधर से धूप आ रही है इधर पानी है तालाब में उधर पेड़ लगा हुआ है तो आप देखते हैं उस पेड़ में ऐसे व्हाइट व्हाइट से उसकी चमक दिखती है पानी की चमक तो हुआ क्या जब लाइट आई तो लाइट उस पानी में टकराई टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर वो उसमें अपनी छाप दिखा रही है तो वैसे ही यहाँ पे होने वाला है कि अगर आप इस अपर सरफेस की बात कर रहे हैं इस अपर सरफेस से टकरा करके वेव ने जाना है ठीक हो गया तो तो एक पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है इंपॉर्टेंट है बात ध्यान से सुनना एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है एक पार्ट इसके अंदर चले जाएगा जिसको मैं ट्रांसमिटेड बोलूंगा ठीक हो गया फिर क्या होगा बच्चों ग्लास प्लेट है तो ट्रांसपेरेंट रहेगी एक इसके अंदर चला गया फिर एक पार्ट वहां से इसकी नीचे वाली सरफेस से टकरा के ऊपर आ जाएगा मैं फिर बोला एक पार्ट अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा एक पार्ट इसकी लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा और होगा क्या बीम जो इसमें एंटर कर रही है वो इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन को एग्जिस्ट मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो बाहर निकलेंगे वो ट्रांसमिटेड मतलब इस साइड जो बीम्स आएंगी उनको मैं ट्रांसमिटेड बोलने वाला हूं इधर वाली जो है उनको रिफ्लेक्टेड बोलने वाला हूँ कैसे थोड़ा सा समझाते हैं एक डायग्राम लेकर के थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ठीक है क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरी न्यूटन रिंग की मेरी कहानी सफल हो गई ये देखिए अब इस डायग्राम को समझना कोई प्रॉब्लम नहीं है दो मिनट ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं आप एस की बात करिए ये सोर्स से लाइट आ रही है सपोज यहां से एस आ रहा है ये ए पॉइंट है तो इन्होंने क्या दिखाया देखो ये इस ग्लास प्लेट की अपर सरफेस है लोअर सरफेस है तो लाइट रे आई तो उसका एक पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो गया है ए टू बी ये रिफ्लेक्टेड बीम है ठीक है और बच्चों ए से बी सी की तरफ ये उसमें ट्रांसमिटेड बीम हो गई

क्या कहा ये बीम आई अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई एक पार्ट इसका यहां चले जाएगा फिर लोअर सरफेस पे एक पार्ट ट्रांसमिट होगा एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा फिर यहाँ पे भी फिर से एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा यहाँ ध्यान से सुनो इधर आएगा एक पार्ट और एक पार्ट इसका बाहर निकलेगा ठीक है फिर वो वाला जो इधर नीचे पहुंचेगा उसका एक पार्ट फिर बाहर निकल जाएगा और एक पार्ट इधर जाएगा फिर यहाँ से एक पार्ट बाहर निकल जाएगा एक पार्ट टकरा के वापिस आएगा तो ऐसे ही चलता रहेगा दिस इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं ना ये हुआ यहाँ से दो चीजें होनी है फिर यहाँ जाएगा हालांकि उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है इंटेंसिटी उसकी वीक होती जाएगी एम्पलीट्यूड उसका फॉल करते जाएगा लेकिन फिनोमिना यही होने वाली है तो अगर आप यहां से देखते हैं ऊपर से तो तो ये रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड बीम है तो आपको reflected pattern है आपको पैटर्न दिखाई देता और अगर आप यहां से देखते हैं तो आपको ये ट्रांसमिटेड पैटर्न दिखाई देता है जो बीम्स इस ग्लास प्लेट से बाहर निकल जाएंगी उनको ट्रांसमिटेड बीम बोलेंगे जो टकरा के इधर आ रही है रिफ्लेक्टेड तो अगर मैं इन इन बीम्स के लिए देखना चाहता हूं तो यहां पे मेरे पास रिफ्लेक्टेड पैटर्न मिलेगा और यहां से अगर मैं देखूंगा ट्रांसमिटेड पैटर्न मिलेगा तो न्यूटन स्विंग को मैं रिफ्लेक्टेड में भी निकाल सकता हूं और ट्रांसमिटेड में भी निकाल सकते हैं हम दोनों में उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ठीक है तो मैंने फिर बोला कि आप ऊपर से देख रहे हैं एक इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल है जैसे आपने देखा होगा आ, थोड़ा सा आपने देखा होगा देखिए अब तो आप ये मान के चलिए कि न्यूटन स्विंग एक्सपेरिमेंट ही हम लोग डिस्कस करना शुरू कर दिए हैं इसके बाद फिर न्यूटन स्विंग को हालांकि समझाऊंगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी पार्ट उसको समझना आपने देखा होगा कि आप जब अगर कभी खेलते वेलते हैं तो आपने ऐसे सर्फ बनाया होगा उसमें से झाग वगैरह को हम लोग उड़ाते हैं तो हमने देखा होगा वो कलरफुल दिखते हैं तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए क्या वो जो सरफेक्शल कंपनी वाले क्या उन्होंने उसमें कलर मिलाया हुआ इसलिए वो कलरफुल दिखाई दे रहा है आपने देखा होगा कि बबल्स जब आप ऐसे करते हैं फूक के उड़ाते हैं तो कलरफुल दिखाई देते हैं तो ऐसा तो है नहीं उन्होंने कलर मिलाया होगा वो कलरफुल इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है कैसे अब ये बबल की बात करिए आप सपोज यहाँ पे बबल की बात कर रहे हैं यहाँ सन है ये लाइट रेस पे गई है तो एक लाइट रे आपको इस पार्ट से टकरा के आंख पे पड़ रही है एक लाइट रे पीछे के पार्ट से टकरा के आपके पास आ रही है उसके बबल के तो होगा क्या दोनों में पार्ट डिफरेंस होगा और जहां पे पार्ट डिफरेंस है वहां पे फ्रेस डिफरेंस होगा और इंटरफेरेंस हो जाएगा तो ड्यू टू इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस होने की वजह से मुझे वो कलरफुल दिखाई दे रहा है एक्चुअल में दैट इज नॉट कलरफुल वो मुझे कलरफुल दिखाई दे रहा है क्यों क्योंकि वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है किन के बीच में एक वो वाली बीम जो अपर पार्ट से आ रही है एक यहां से से बाहर वाले पार्ट टकरा के आ गई और एक अंदर वाले पार्ट से टकरा के आ गई तो उनकी वजह से मेरी आंख में इंटरफेरेंस हो रहा है और मुझे वो कलरफुल दिखाई दे रहा है तो बच्चों यही मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं कि ये वाला जो है रिफ्लेक्टेड बीम है तो इस सरफेस पे एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा एक इसके अंदर जाएगा अंदर जाएगा एक अंदर वाली दीवार से टकरा के मेरी तरफ आएगा और एक उससे बाहर निकल जाएगा तो कोई इधर पीछे से देखेगा तो देखे तो तो वो, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे उसी तरीके से जैसे आपने कलरफुल देखा उसी तरीके से हमने कुछ तो करना है करने वाले क्या है पार्ट डिफरेंस ले आना है सिंपल सी फिजिक्स है इंटरफेरेंस के लिए कि इफ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस

जैसे तीन चीजें होती हैं जैसे आपने देखा कुछ विद्वान होते हैं वो तो कहते हैं अच्छा हम गर्मियों जाड़ों में नहाना है तो वो क्या करते हैं पानी में बाल्टी वाल्ट, में पानी रख देते हैं गर्म हो जाएगा धूप में तो वहाँ वो क्या रहा है बेसिकली तीन चीजें हो रही है एक पानी उसके अंदर जा रहा है तो उसको जो एब्जॉर्व कर रहा है अगर मान लो वो ग्लास में रख देता है ट्रांसपेरेंट किसी फिल्म में रख देता है तो तीन चीजें होनी है वहाँ पे एक पार्ट उसका टकरा के चला जाएगा रिफ्लेक्ट एक वो वाटर एब्जॉर्व कर लेगा एब्जॉप्शन होगा तीसरा उसमें से टकरा के चला जाएगा तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है बहुत कम होता है लेकिन होता जरूर है

कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लाइट आ रही है अगर आप बोले हंड्रेड लाइट आ रही है तो फोर लाइट रिफ्लेक्ट होगी और पार्ट लाइट ट्रांसमिट हो जाएगा यही सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी है व्हाइट लाइट इसके पास सेवन कलर्स होते हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ थिकनेस इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ऑल्सो अकर्स इन नेचर विंग्स ऑफ मैनी इंसेक्ट्स अभी समझाई दिया है नेचर में कैसे उसके लिए बोला था

तो इसमें क्या होगा ये दो मिलकर के बना रहे हैं तो दो टाइप के पैटर्न मिलेंगे इधर रिफ्लेक्टेड और नीचे कौन कौन सा मिलेगा? अभी समझाया था multiple कैसे था? मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कैसे एंड से? इंटरफेरेंस इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्टेड so, लाइट में इंटरफेरेंस को समझाने के लिए मैंने बताया ऐसे लाइट आ रही है ए पे ए से कुछ पार्ट उसका सी पे जाएगा सी से फिर ट्रांसमिट होगा ए से पार्ट टकरा के बी पे चले जाएगा सी वाला टकरा के फिर डी पे जाएगा तो यहाँ से डी से फिर उसका रिफ्लेक्टेड तो ये आप ए बी और ई e की बात करेंगे ये रिफ्लेक्टेड लाइट है इनमें हमने इंटरफेरेंस करना है कैसा इंटरफेरेंस होगा जरूरी क्या है इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस होना

देखिए बेसिक कितना काम आता है आप समझ में आएगा द दार्ट डिफरेंस डेल बिटवीन द रेज ए बी एंड डी इज गिवन भाई आप यहां समझना ए बी एंड डी की बात कर रहा है तो देखो जो ये वाला पाथ है ना अब हमने कहा मान लो जितने टाइम में लाइट ए से एल में जा रही है उतने टाइम में अंदर वाली ए से सी जाके सी से डी आ रही मतलब इस लाइट को ए से सी सी से डी जाने में जितना टाइम लग रहा है उतने में ए वाली एल पे चले जा रही है अब लेकिन अंतर क्या हो रहा है ये वाली को मीडियम में चलना है यहां पे एयर है ये बीच में मीडियम है ग्लास प्लेट के बीच की बात कर रहे हैं तो मान लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाएगा तो मैंने बोला था अगर आप सिंपल पाथ की बात करोगे तो आप ज्योमेट्रिकल तो ए सी प्लस सी डी कहोगे लेकिन जब आपको मैंने भी ऑप्टिकल पाथ की बात की क्योंकि तो मीडियम में चल रहा है तो उसको म्यू ए सी प्लस सी डी आप कर देंगे तो ये किया है देखो द पार डिफरेंस क्या हुआ है एसी प्लस डीसी इन फिल्म माइनस ए एल इन एयर समझ रहे हैं एल इन एयर माइनस ये वाला पार्ट आपने कर दिया यहाँ पे ठीक है तो इसके बाद आपने करना क्या है सिंस ऑप्टिकल ऑप्टिकल पाथ पाथ म्यू इज इक्वल टू इन मीडियम तो आपने कहा डिफरेंस म्यू ये लिखा हुआ है अब देखो बच्चों करना क्या है थोड़ा छोटी सी कुछ चीजें थोड़ा सा वर्कशॉप में भी बहुत बिजी था थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाया कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं जो मुझे अब दिख रही है मैं पहले भी इसको देखने ये देखो टी जैसे है ना यहाँ पे कैपिटल टी लिखा हुआ है दिस इज स्मॉल टी बेसिकली ठीक है आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे अगर आप बाद में नोट्स बनाते हैं अपनी कॉपी में तो आपको इसको करेक्ट करना ये है ये ये स्मॉल टी है 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 थिकनेस ठीक फिल्म की तो अब आपको जोमेट्री लगानी है सिंपल देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाएगी ये आपका आर हो जाएगा ठीक है ये जो टोटल एंगल है बच्चों नाइन्टी डिग्री है ये आर है तो ये इधर कितना हो जाएगा नाइन्टी माइनस आर हो जाएगा आप आराम से सुनना मेरी बात को ये आर है तो ये नाइनटी माइनस आर हो जाएगा ये नाइनटी है तो ये नाइनटी तो कॉपी पेन के बाद में सॉल्व कर सकते हो तो ये सिंपल से आपका आर आ जाएगा ठीक है ये वाली आपकी जो एंगल है वो आपका आर निकल जाएगा और ये अगर आर है तो रिफ्लेक्शन के लॉ से ये वाला एंगल भी आपका आर हो जाएगा तो पीछे जैसे सॉल्व कर रहे हैं जैसे ना ये निकाल रहे हैं हम लोग देखो कॉस आर निकाल रहे हैं तो कॉस आर उन्होंने बोला कि टी अपॉन ये टी हो गया अपॉन ए की बात कर रहे हैं तो जैसे आप इस ट्राइंगल की ही बात कर लेते हैं तो आपने कहा कि ये ये आपका आर एंगल बताया था मैंने आर के सामने का परपेंडिकुलर 90 के सामने का हाइपोटेनियस और ये आपका बेस बेस हो गया तो थीटा गया तो थीटा निकालोगे अपॉन हाइपोटेनियस होता तो बेस ये वाली साइड हो गई और हाइपोटेनियस आपका ए हो गया तो टी अपॉन एसी की फॉर्म में उन्होंने लिखा हुआ है तो देखो आप इसको कॉस आर निकाल सकते हैं यहां से इससे ए निकला टी अपॉन कॉस आर ऐसे ही डीसी निकालोगे तो टी अपॉन कॉस आर आ जाएगा ठीक है उसी ट्राइंगल में मैंने आपको समझा दी है वैल्यू तो ए एल निकालोगे तो एडी साइन आई आप इस एल की बात करते हैं तो ये इस एल की बात करेंगे तो एडी साइन आई निकल जाएगा और इसके बाद आप बात करने वाले हैं देखिए एडी साइन आई निकल जाएगा और अपने एडी को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया किसमें यहां पे यहाँ पे एन लिखना है नॉर्मल पॉइंट एन है तो ए एन प्लस एनडी आप करने वाले हैं एन प्लस एनडी को फिर इस ट्राइंगल से ये वाले से ये देखो क्या होगा ये ये आर था ना आर के सामने का परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा तो बच्चों यहां से ध्यान देना टेन आर निकालूंगा तो ये वाली लाइन एन ए अपॉन ये निकल के आएगा तो देखो ये निकल के आ रहे हैं आपके पास ये टेन के टर्म्स में आपके पास वैल्यू निकल के आ रही है टी टेन आर टी टेन आर उससे निकाल सकते हैं आप लोग टू टी टेन आर आ गया ठीक है तो फिर आपके पास डेल्टा की जब हम बात करते हैं तो टू म्यू अभी ये जो आपके पास वैल्यूज थी यहाँ पे फॉर्मूला था इसमें पुट कर दिया है देखो ये वाले में ए सी प्लस डी सी जो, जो वैल्यू निकाली है ये सारी उठा के यहाँ रख दो ठीक है ये आप लोग खुद से पेन उठाएंगे सॉल्व करेंगे और बातों को सुनते रहोगे तो हो जाएगा ये रिखा आपने यहाँ से देखो अब आपने किया क्या देखो एज ए टू म्यू टी अपॉन कोसार कॉमन ले लिया और यहां पे कितना आ जाएगा आपका वन माइनस साइन स्क्वायर आर और वन माइनस साइन स्क्वायर ठीक को आप सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्टा होगा कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ये म्यू है म्यू को आप लोग सॉल्व करेंगे sin A sin R की फॉर्म में लिख सकते हैं तो उससे सॉल्व करेंगे तो टू म्यूटी कॉस आर आ जाएगा तो देखिये पार्ट डिफरेंस टू वाई डी अपॉन टू डी करके आ रहा था तो वो सॉल्व करके यहाँ पे आएगा टू म्यूटी कॉस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन वी आर गोइंग टू यूज इन द न्यूटन रिंग दिस फॉर्मुला टू म्यूटी कॉस आर तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू स्टोक्स स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड बीम जो होती है उनमें एक फेज डिफरेंस आता है पाई का और फेस पाई का मतलब होता है पार्ट डिफरेंस रहेगा कॉपी में लिखना फेज डिफरेंस इक्वल टू बाद इक्वल टू पार्ट डिफरेंस फेस डिफरेंस आपका पाई, तो पाई है तो पाई इज इक्वल टू टू पाई बाई ले इन टू पार्ट डिफरेंस की बात करें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू लेमडा बाई टू आ जाएगा तो ये आपने टू आर माइनस लेमडा बाई टू लिख दिया

टू एन माइनस वन तो, तो माइनस लेमडा बाई टू से माइनस लेमडा बाई टू कैंसिल हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे प्लस लेमडा बाई टू लेता ले तो मैं टू एन प्लस वन वाले को ले लेता तो ये थोड़ा सा मुझे दिमाग लगाना होता है कि मैं क्या कर लूंगा यहाँ पे तो देखो क्या किया मैंने कंडीशन फॉर मैक्सिमा तो आपने कहा पार्ट डिफरेंस मेरे पास ये टू म्यूटी कॉस आर माइनस लेमडा बाई टू और हमने अभी पढ़ा था मैंने क्या बोला कि प्रीवियस पार्ट नहीं पढ़ा था तो ये समझ में नहीं आता तो ये एन लेमडा के इक्वल होना चाहिए बोला था कि जब पार्ट डिफरेंस एन लेडा के बराबर होता है तो उसको हम मैक्सिमा कहते हैं तो टू म्यूटी कोसार माइनस लेमडा बाई टू आपने यहाँ निकाला इक्वल टू एन ले कर दिया तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास टू म्यूटिक इस तरीके से आगे देखो टू एन प्लस वन लेमडा बाई टू अमे क्या कह रहा था इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने प्लस लिया होता तो इधर जाके फॉर्मूला माइनस हो जाता है तो यहाँ पे टू एन प्लस वन लेमडा बाई टू करके सॉल्व करो टू एन माइनस वन करके सॉल्व करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये मैक्सिमा की कंडीशन में बट फॉलो आप एक ही करेंगे आप अपने डेरिवेशन में थ्रू आउट फिर वही यूज करना है आपने मिनिमा की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे हमने देखोगे तो, तो, देखो तो तुम्हें यह दिखेगा जो मैक्सिमा वाला फॉर्मूला था मैक्सिमा में इक्वल टू एन लेमडा होता है तो यहाँ पे मैक्सिम टू एन प्लस वन लेमडा बाई टू हो गया तो मैक्सिमा वाले का मिनिमा में कन्वर्ट हो गया मिनिमा वाला मैक्सिम कैसे maxima में एन लेमडा होता है पार्ट डिफरेंस ठीक है तो यहाँ पे देखो अब आपके मैक्सिमा मैक्सिम टू म्यूटी बाई टू हो गया तो टू एन प्लस वन बाई टू बाई टू ये जो होती है मिनिमम वाली होती है तो मैक्सिमा वाली फॉर्म मिनिमम वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गई मैक्सिमा क्योंकि पहले जब एन पार्ट डिफरेंस एन लेमडा था तब मैक्सिमा मिल रहा था लेकिन अब जब टू म्यूटी कोसार एन लेमडा के बराबर होगा तब मुझे मिनिमम मिलने वाला है ठीक है तो आई होप ये शायद आपको समझ में आ ही रहा होगा तो हमने डेरिवेशन कर लिया इंपॉर्टेंट फॉर्मुले हैं अभी यूज करने वाले हैं इनको ठीक है अब थोड़ा सा हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं इंटरफेरेंस इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट ये सब मैंने अभी बोल ही दिया है आपको रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से सेम डेरिवेशन होता है आपका एस आएगा ए पे जाएगा ए से बी बी से सी आप इस तरीके से लेंगे अब यहाँ पे आपने सेम मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है बिल्कुल सेम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो इसको सॉल्व करके आप ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला बना देते हैं

इस तरीके की एक वे शिफ्ट फिल्म बनती है इसको आप लोग समझते हैं ठीक है थ्योरी आपकी जो अब आप मैंने एक मैथामेटिकल ट्रीटमेंट एक में समझा दिया है बाकी सब में सेम मैथामेटिकल ट्रीटमेंट रहेगा आप, आप इसको मैं देखो वही तो आ रहा है इन एयर इन फिल्म माइनस इन एयर कर रखा है यही सारी चीजें साइन आई साइन आर अभी एंगल निकालने मैंने आपको सिखा दिए हैं अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है ना वेरिएबल थिकनेस की ले लिया देखो अंतर क्या है मैं छोटा सा अंतर समझाता हूँ इधर एयर इधर एयर इधर मीडियम देखो इनमें अंतर क्या है यहाँ पे आपने थिकनेस को कॉन्स्टेंट रखा हुआ था अब यहाँ पे आपने वेरिएबल थिकनेस लगा दी ये आप देखते हैं तो वेरिएबल थिकनेस है मीडियम है मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपकी थिकनेस जीरो है अब जैसे जैसे बाहर की तरफ को जा रहे हैं तो थिकनेस आपकी बढ़ती जाएगी तो जो आपका न्यूटन रिंग को मैंने बोलना है तो न्यूटन रिंग में सबसे पहले यही बोलना पड़ेगा न्यूटन रिंग इज फॉर्म ड्यू टू वेरिएबल थिकनेस वेरिएबल थिकनेस की वजह से आपके पास न्यूटन रिंग बनती है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे वेरिएबल थिकनेस है ठीक है तो बाकी आपकी थियोरेटिकल मैथमेटिकल पार्ट बिल्कुल सारा का सारा सेम है थोड़ा सा समय हमारे पास अब कम है अब ये देखिए टू म्यूटी कॉस आर होता है इसके साथ बस बच्चे फाइव आ जाता है एक एंगल एक्स्ट्रा बस इसको आप लोग साथ में लेते चलना तो आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से इक्वेशन बन जाएंगे ठीक है फिर आता है न्यूटन रिंग के बारे में तो न्यूटन रिंग स्पेशल केस ऑफ वेस्ट शेफ्ट फिल्म इन थिक

ये आपके पास एक सोर्स रखा हुआ है ठीक है इस सोर्स से आपने देखना है आपके पास लाइट आएगी यहाँ पे ग्लास ये रखा हुआ है लेंस रखा हुआ है ग्लास प्लेट रखी हुई है ठीक है ये ग्लास प्लेट को हम 45 डिग्री पे ऐसे बेंड करके रखते हैं तो फिर उसके बाद आपने ऊपर ये माइक्रोस्कोप देखा हुआ है माइक्रोस्कोप से ऐसे आप देखते हैं अभी डिजाइन में आपको दिखाऊंगा रिंग का ऐसे ऊपर से आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे यहाँ पे ग्लास प्लेट है इधर आपने एक लेंस रखा होता है ठीक है इस लेंस की हमको रेडियस की बात करनी है अभी वो बताने वाला वालों मैं और आप नीचे देखते हैं ग्लास प्लेट रखी हुई है तो बच्चों जो इंपॉर्टेंट पार्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस एयर फिल्म ठीक है इस वाले डायग्राम में ज्यादा बढ़िया नहीं दिख रहा है इसमें देखते हैं तो देखो अगर आप ये जो गैप की बात कर रहे हैं आप इस तरीके से समझ के रखिए कि आपके पास एक कटोरी नुमा कोई ऐसी चीज है इस तरीके से एक प्लेन ग्लास प्लेट आपने रखनी है देखिए और ऐसे उसको रख देना है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं देखो देखो एक सीधी सी आपने लिया हुआ है जैसे सपोज यही चीज है इसमें मैं ऐसे करके रखता हूँ इस हाथ को तो आप देख रहे हैं इसके मेरे कॉपी और ये हाथ के बीच में जो गैप है वो स्टार्टिंग में यहाँ पे कम है और धीरे धीरे आगे की तरफ को जा रहा हूं तो वेरिएबल थिकनेस की बात कर रहा था जिसकी मैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज द

अभी मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ न्यूटन रिंग आपकी फॉर्म होती है एक्चुअली होता क्या है जो आपके पास लाइट आएगी ठीक है आपके पास लाइट आएगी एक लाइट का पार्ट अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक उसका लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आपको न्यूटन रिंग फॉर्म हो जाती है ठीक है जैसे यहाँ पे अभी मैं आपको इसको ड्राइव करके दिखाने वाला हूँ जल्दी से ठीक है तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो आपके पास वेस्ट शिफ्ट देखा था वेस्ट शिफ्ट में देखा था आपको थीटा एंगल बन रहा था वेरिएबल अभी बताया था मैंने एक लाइन ऐसे ली थी एक लाइन ऐसे ले रखी थी तो इनके बीच में मैंने एंगल कितना दिखाया था थीटा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अंदर एंगल कम है और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ को जा रहे हैं आपका एंगल ये बढ़ता हुआ जा रहा है तो ये वेस्ट शिफ्ट है और आपने यहाँ पे एक ग्लास ये लिया हुआ है और एक ये इस तरीके से लेंस लिया हुआ है और एक प्लेन ग्लास प्लेट रखी हुई है ठीक है अब इस तरीके से देखते हैं अब मैं इसको थोड़ा सा पढ़ने वाला हूं तो होगा क्या आपने यहाँ से सोर से लाइट डालनी है सोर से आप लाइट डालने वाले हैं तो ये ये पैल कर देगा इसको ग्लास प्लेट पे पड़ेगी तो फिर क्या होगा फिर टकरा करके लाइट रेज ऊपर को आ रही है वापस लाइट रेज आ रही है ये में जाएंगी और इसकी वजह से हमें न्यूट्रंस रिंग दिखेंगी और वो इस तरीके से दिखती है दो टाइप के पैटर्न होते हैं रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड की मैंने बात की थी एक में आपका सेंटर जो सेंट्रल रिंग है वो डार्क होती है एक में आपकी ब्राइट होगी ठीक है तो आपके पास यहाँ से पेनल रेज आई इधर गई अब आप सोचना जरा जब रिफ्लेक्टेड बीम की बात कर रहा हूं देखो ना बच्चों आप एक देखो ये जो ग्लास प्लेट बना रहा हूं एक इसमें से टकरा के लाइट रह जाएगी एक नीचे वाली से टकरा के वापिस जाएगी तो एक ने अपर पार्ट से टकरा के जाना है और एक ने लोअर पार्ट से टकरा के जाना है तो सोचो तो जरा तुम्हें रेस करनी है यहाँ से नीचे जाना है एक को ऊपर वाली प्लेट को छू के आना है एक को नीचे वाली प्लेट को छू के आना है तो जिसको नीचे वाली प्लेट को पहले नीचे जाना है फिर ऊपर आना है तो नीचे वाली प्लेट को जो छूने वाला है उसको ज्यादा पार्ट ट्रेवल करना पड़ेगा जो ऊपर वाली से टकरा के आएगा उसको पार्थ कम ट्रेवल करना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या निकल के आता है अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फिर से पार्ट डिफरेंस हो गया और बच्चों पार्ट डिफरेंस होगा तो पार्ट डिफरेंस का मतलब होता है कि वहां पे इंटरफेरेंस होने वाला है और इंटरफेरेंस की वजह से आपको रिंग्स दिखाई दे रही है क्वेश्चन ये करता है कि रिंग्स सर्कुलर ही क्यों होती है, कुछ और शेप में क्यों नहीं होती है।, तो आपने जैसे ये रखा हुआ है अब मेरे पास अभी तीन हाथ होते तो मैं समझा देता बढ़िया कट के हाट है।, देखो। आप इस तरीके है ऐसे इसमें मार्क कर लो आप एक घर में कटोरी लो कुछ नहीं करना है बहुत सिंपल सा है उस कटोरी को एक कॉपी के ऊपर रख देना है आपने ठीक है उस कटोरी में आपने ऐसे गोल करके मार्क कर देना है पॉइंट अब ऐसे एज्यूम करो कि आपने इस तरीके से यहाँ पे लाइंस डालनी है ठीक है बहुत सिंपल सी है चीज आपको समझने के लिए इस तरीके से तो जो ये मैं यहाँ पे लाइन डाल रहा हूं इस तरीके से तो ये आपके पास ऐसी बहुत सारी पेने आप सोचो ऐसे हाथ से मैं पेन डालू जो ये मैंने बना रखा है ऐसे पेने डालू और उन पेनों को मैं नीचे वाले में ऐसे मिलाना शुरू कर देता हूँ किसमें जो नीचे कॉपी रखी हुई है कॉपी के ऊपर कटोरी कटोरी में मैंने एक ऐसे करके सर्कल बना दिया उस सर्कल से आप एज्यूम करो कि आपने ऐसे पेन है पेनों को ऐसे नीचे डालना है ठीक है तो वो जो नीचे डालोगे पैनों का जो लोकस बनने वाला है नीचे वो सर्कल बनेगा तो आप अगर पेन को यहां से डालना शुरू करते हैं तो अलग छोटा सर्कल बनेगा आप अगर थोड़ा सा इधर जाकर के फिर पेनों को डालना शुरू करते हैं तो बड़ा सर्कल बनेगा और किनारे की तरफ जाते हैं तो सर्कल का साइज और बड़ा हो जाएगा तो जब आप बात करते हैं रिंग्स की तो जो ये ये वेरिएबल थिकनेस है तो ये इंटरनल पार्ट की वजह से छोटी रिंग बनेंगी जैसे जैसे बाहर की तरफ को जाएंगे तो रिंग बड़ी होती जाएंगी बहुत सिंपल सी बात मैंने बोली कटोरी मान लीजिए आप ले लिया आपने उसमें अपने पेन से ऐसे मार्क कर दिया फिर आप एज्यूम करें कि आपने वहां से पेने ऐसे डाल दे दी है पेने को खड़ा कर दे थी, अब सारी पेना तो पेन पेन तो तो निकाल देनी है फिर थोड़ा सा बगल में जाके रिंग बनानी है वहां से डाल देना है तो फिर से जो रिंग बनने वाली है वो भी रिंग होगी तो सर्कुलर की होती है तो आप बोलेंगे द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ इक्वल थिकनेस मान लीजिए यहाँ पे थिकनेस टी है आपकी यहाँ टू है यहाँ पे थ्री है तो टी थिकनेस वाले जितने भी पॉइंट होंगे सब रिंग फॉर्म करेंगे 2T वाले भी सारे के सारे रिंग फॉर्म करने वाले मैं फिर से बोल रहा हूँ पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ इक्वल थिकनेस इज गोइंग टू गे ये हमें देने वाला है रिंग्स देने वाला जो हमें यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है ये लिखा हुआ देखिए क्या लिखते हैं देखो यहाँ पे हमें पढ़ देता हूं जल्दी से कि न्यूटन रिंग में ये सारी कहानी हमने लिखी हुई है लेंस होता है जो मैं आपको समझा ही चुका हूँ बच्चों पढ़ना क्या है इसको नहीं तो देखिए 45 डिग्री पे होता है रिफ्लेक्टेड पैटर्न मिलेगा ये वाला डायग्राम मैंने आपको आपको डिफाइन कर ही दिया है अब इसकी बात करेंगे लोअर और अपर दोनों सरफेस से रेज मिल सकती है ठीक है ये देखिए फिगर में दिख रहा है आपको कि अपर और लोअर दोनों सर्फेस से आप इसको निकाल सकते हैं फिर आप बोलने वाले हैं कि आपने कहा फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क थिंग्स ठीक है तो सर टाइम भी कम है हमारे पास मैं थोड़ा सा स्किप भी कर रहा हूँ पार्ट को ठीक है अब यहाँ देखिए तो अब इंपॉर्टेंट क्या था मैंने बोला था देखो टू म्यूटी कॉस आर वाला अब वेस्ट शेप बोल ले तो जब वेस्ट शेप था टू म्यूटी कॉस आर प्लस छीटा आ जाएगा वहां due इंटरफेरेंस ड्यू टू लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर एंड लोअर सर्फेस ऑफ द एयर फिल्म फ्रॉम बिटवीन द ग्लास प्लेट ऑफ द प्लेनो the ठीक है the air film, this is important. अभी मैं एक लाइन और बोल देता हूँ यहाँ पे आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं माइकलसन मुरले इंटरफेरोमीटर पढ़ेंगे चाहे आप उसके बाद इंटरफेरोमीटर पढ़ते हैं आप बच्चों कुछ मत ढूंढना एयर फिल्म जाके ढूंढ लेना आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सिर्फ एयर फिल्म को देखना होता है कि एयर फिल्म कैसे बन रही है माइकलसन मुरले एक्सपेरिमेंट हो चाहे फेबरीपेरेट की बात करते हैं तो उसमें हम लोग एयर फिल्म को देख रहे होते हैं और एयर फिल्म से ही सारी की सारी कहानी हो रही होती है तो एयर फिल्म को बढ़ा के घटा के हम लोग सारी चीजें कर रहे होते हैं वहां पे तो टू म्यूटी कॉस आर प्लस सीटा की बात करते हैं यहाँ पे तो माइनस एमडा बाई टू इसको ले लिया हमने ठीक है अभी फॉर्मुला ड्राइव कराया था मैंने पीछे ये वाला टू टू था शेप्ड में भी आ जाता है ठीक है तो आपने कहा अब यहाँ ध्यान देना इन केस ऑफ नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मली लाइट नॉर्मली फॉल्स इन द नॉर्मली मीन परपेंडिकुलर फॉल कर रही है तो जब आपके पास किसी सरफेस पे आप अगर ऐसे परपेंडिकुलर की बात करते हैं आपके आपके पास पास इस तरीके से से अगर आएगी तो 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 इसी एंगल वापस हो हो जाता है तो आपके पास R is equal to zero, zero आपका हो गया तो यहाँ पे फॉर्मूले में ये वाले पार्ट को हमने हटा दिया है ठीक है वेज का जो एंगल है एंगल ऑफ वेज इसको हमने बहुत स्मॉल कंसिडर कर लिया है जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करते हैं इसको हमने बहुत स्मॉल कंसिडर कर लिया और हमारे पास कॉ जीरो की वैल्यू वन होगी तो टू म्यूटी कॉस आर माइनस बाई टू एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये जहां पे टच हो रहा है इस टच के वहां पे आप बात करोगे तो टी आपका होने वाला है जीरो एट पॉइंट ऑफ जीरोक्ट आप बात करेंगे यहाँ पे आपका टी जीरो होगा तो टू म्यूटी कॉस आर यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ये यह देखिए यहाँ पे टू म्यूटी कॉस ये वाला जो टर्म था ये आपका जीरो हो गया है ठीक है मैं सॉरी कॉस जीरो आपका वन हो गया है तो टू म्यूटी माइनस इलेमडा बाई टू हो गया एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टी इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे माइनस लेमडाई अब बच्चे सोचेंगे भाई आ आ रहा है। यहाँ पे lambda आ रहा है है पे प्लस तो शुरू में बोला था कि हम लोग प्लस भी ले सकते हैं या फिर माइनस लेमडा भी ले सकते हैं तो किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम लगे तो वो यहीं पे से प्लस लेना शुरू कर दे यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस मैंने जान के माइनस लिया है क्योंकि जब डिफिकल्टी क्रिएट करूंगा तो अब होता क्या बुक में अगर तुम यहीं पर देखे तो बुक में तो लिखा रहता तो तुम सोचोगे कि ऐसे कैसे हो रहा है तो इसका कैसे हो रहा है उसका जवाब है कि लेमडा बाई टू आप लोग उसको लिख सकते हैं प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी तो आपने क्या किया देखो टू म्यूकी को आपने एक बार लिख दिया है ये मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन यहां से बन जाती है ठीक है जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कंडीशन फॉर डार्क रिंग ऑफ मैक्सिमा कंडीशन फॉर डार्क रिंग और ब्राइट रिंग, रिंग की बात कर ली हमने डायमीटर निकालना है अब यहाँ पे ध्यान दीजिए डायमीटर निकालने के लिए ये तो कोई बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं अब हम बात करते हैं डायमीटर की अब डायमीटर निकालना है आपने हेडिंग डाला देखो डायमीटर ऑफ ब्राइट एंड डार्क ये प्रैक्टिकल करना है अब यहाँ से प्रैक्टिकल वर्ड थोड़ा सा शुरू होता है हो सकता है मुझे पांच सात मिनट थोड़ा ज्यादा लग जाए समझाने में अब देखिए डायमीटर ऑफ ब्राइट एंड डार्क रिंग की जब हम बात करते हैं तो देखो बच्चों जो रिंग्स बन रही है ना जो रिंग मैंने बनाई थी देखो हर रिंग का साइज छोटा अलग अलग है अब कटोरी और वो प्लेट वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट उस पर तो तुम नाप लोगे लैब में तो वो अंदर दिखना सिस्टम के अंदर रिंग बनी हुई दिखनी है इस तरीके की रिंग दिखाई देती है देखो ये रिंग्स का डायमीटर बताना होता है ये डायमीटर मतलब यहां से लेके यहाँ तक का ऐसे डायमीटर अलग अलग दिख रही है हर किसी का डायमीटर बताना है तो भाई ये जब डायमीटर बताना है तो मैं कैसे करने वाला हूँ तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैथामेटिकल पोर्शन है दो मिनट का देखो ये सेंटर हो गया ये पॉइंट पी ले लिया ये पीबी हो गया आपका ये ए हो गया ठीक है ये आपके पास मान लो ये टी थिकनेस की वजह से जो रेडियस जो रिंग्स बनेंगी यहाँ पे ऐसे करके ये रिंग बनेंगी यहाँ समझना इस तरीके से ये ग्लास प्लेट के ऊपर रिंग बनने वाली है ठीक है जैसे आपने ये कटोरी जैसी रखी हुई है ये ग्लास प्लेट में रिंग्स बननी है तो इसकी थिकनेस आपने टी ली है ये थिकनेस आपकी टी ली है और ये आपके पास आर वाला पार्ट हो गया ठीक है आपने बोला वो रिंग जिसकी थिकनेस टी है आ, टी थिकनेस वाली जो रिंग बन रही है उनकी रेडियस हमने सपोज ले ठीक है आप इस तरीके से इसको देख लीजिए तो आपने क्या करना है बहुत सिंपल सी एक थ्योरम होती है अगर आप इसकी बात करेंगे जैसे आपने क्या करना रखा देखो यहाँ पे एपी इंटू आप यहाँ पे ध्यान दो एपी इंटू ए बी है दिख रहा है आपने लिखा है एपी इंटू ए बी और इज इक्वल टू एओ इन ए एल तो आपको दिख रहा है एओ इन उई, की बात कर रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है देखो ठीक है ये लिखा हुआ उन्होंने तो ये आप बात करते हैं आपके पास एक ये इससे हम बात करेंगे ज्योमेट्री से एक बहुत सिंपल सी थ्योरम है उस थ्योरम को हमने अप्लाई किया तो हम इस जब थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो अब ये वैल्यू उठा के लिखते हैं ए, पी ए, बी वाली और ये सारी वैल्यूज उठा के लिखेंगे ये वैल्यूज क्या है देखो ये थिकनेस आपकी टी है ये आपके पास इस जो ये वाला जो ये ये जो लेंस है इसकी रेडियस कैपिटल आर हो गई देखो ये रेडियस आर हो गई मैं बोल रहा हूँ ये लेंस की रेडियस आर है आपके पास रिंग की रेडियस स्मॉल तो हो, हो गया तो ये कितना बचेगा? R -t. तो ये हमने किया है एपी इंटू ए बी तो ठीक है एपी इंटू ए बी ए वाली तो आपके पास एक ये आर हो गया है ये भी आपके पास आर हो गया आर एन ये आर लिख दिया तो आर इंटू आर ये आर स्क्वायर हो गया और यहाँ पे टी ये टी इंटू ये, ये आपके पास हमने वैल्यू कर दी यहाँ पे देखो टी इंटू आपके पास टू आर माइनस टी अगर आप इस ऊपर वाले पार्ट की बात करेंगे तो देखो ये टोटल टू आर हो गया ये टोटल टू आर हो गया ये टोटल टू आर ये टी चला गया तो ऊपर कितना बच गया टू आर माइनस टी तो आपने क्या किया है आपने थ्योरम क्या बोली एपी इंटू एंटू एज इक्वल टू एंटू एफ हो जाएगा ठीक है तो आपने क्या करना है देखो ये आर ये आर तो आर इंटू आर इज इक्वल टू टी इंटू टू आर माइनस टी ऊपर का टू आर माइनस टी हो जाएगा ये लिखा है ठीक है ये लिखा होगा बच्चों इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग देखो यहाँ पे r स्क्वायर हो गया 2rt t स्क्वायर हो गया r इज वेरी लार्ज एंड t इज वेरी स्मॉल सो वी मे राइट हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया t छोटा है तो t स्क्वायर और भी छोटा होगा r स्क्वायर 2rt हो गया तो t की वैल्यू r स्क्वायर पॉइंट 2r हो गई अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 5.16 सो पीछे हमने जो पढ़ी थी 2μt cos 2μt पढ़ा था भी है यहां पे ध्यान दीजिए ये है चीजें आप देख लो इस तरीके का आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा रेडियस जो होती है डायमीटर बाई टू रेडियस की जगह आपने यहाँ पे डायमीटर बाई टू लिख दिया अब आपको ध्यान रखना स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ रिंग तो ये डी एन स्क्वायर आ गया है डायमीटर ऑफ एन ब्राइट रिंग क्योंकि ये फॉर्मूला जिसमें आप पुट कर रहे हैं ब्राइट वाले फार्मूले में पुट करोगे तो ब्राइट का फॉर्मूला आएगा डार्क वाले में पुट करोगे तो डार्क का फॉर्मूला आएगा तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एन डार्क रिंग ठीक है सिंपल मैथामेटिक्स है इसको आप खुद से भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं फिर ये आप इस तरीके से रखते हैं सिमिलरली फॉर डार्क रिंग्स डार्क वाले फॉर्मुलामुला था उसमें पुट कर रखा है फिर आप रिंग का देखेंगे तो इस तरीके की आपको यहाँ पे रिंग्स दिखाई देती है ठीक है फिर हमने कह रखा है यहाँ पे द दल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क रिंग्स आर इन फिगर इतना ये जो दिखा रखा है डायग्राम ये वाला ठीक है उसमें हमने कहा कि हमारे पास अगर हम इस तरीके से निकालते हैं स्पेसिंग बिटवीन टू कॉन्जिक रिंग्स तो आर एन स्क्वायर अभी आपने पढ़ा था अनरूट एन लेमडा आर ना आर एन की वैल्यू मैं कह रहा हूँ पीछे वाले अभी एक्सप्रेशन में हो रहा था तो यहाँ पे आर एन प्लस वन इनको सॉल्व करेंगे आप इस तरीके से इनके बीच की स्पेसिंग आएंगे रिंग्स की क्या क्या स्पेसिंग्स रहती हैं ठीक है अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो ये देखो कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है अभी हमने आर एन निकाला था यहाँ से जो आर निकाल लेते हैं इसके हिसाब से हम लोग स्मॉल आर के हिसाब से कर सकते हैं आप एक बार आर एन लिखोगे तो एन एथ के लिए हो जाएगा आर एन प्लस वन लिखोगे तो यहाँ पे एन प्लस वन हो जाएगा उनके बीच का डिफरेंस निकाला गया है ठीक है तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको अब इसके बाद हमने कह रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स अब ये फॉर्मूला में डायरेक्ट अगर उठा के न्यूट्रल रिंग में रख दूं तो आप सोचो कहां से है इतनी सारी कहानियों के बाद ही फॉर्मूला है देखो अभी पढ़ा डायमीटर ऑफ एन एट डी एन स्क्वायर फोर एन लेमड आर ये देखो डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू तो फोर एंड लेमडा एयर फिल्म की बात करें पढ़ा रहा वहां पर एयर फिल्म बन रही है तो एयर फिल्म के लिए म्यू कितना होता है वन तो बच्चों म्यू की जगह पे आपने यहाँ पे लिख दिया है वन तो तो आप लिख देंगे तो आपका 4n आ जाएगा ठीक है मान लीजिए तो तो आपके पास तो यहां से लेमडा आप निकालेंगे तो डीएन प्लस पी स्क्वायर माइनस डीएन स्क्वायर अपॉन फोर पी आर हो जाएगा वेयर पी इज एनी इंटीजर नंबर एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लूनो कॉन्वेक्स लेंस फिर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे

और एक बार आप ये मीडियम में माइनस कर लो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला बन जाता है डीएन प्लस पी स्क्वायर माइनस डीएन स्क्वायर एयर अपॉन डीएन प्लस पी स्क्वायर माइनस डीएन स्क्वायर आप समझाते हैं इसको कैसे जैसे ये है ना आप देखो एक बार आपने एयर रखी एयर में रिंग्स बनाई आपने आपने मान लो बीसवीं और चौबीसवीं रिंग की बात कर ली तो डीएन आपका बीस हो गया बीसवीं रिंग की बात कर रहे हैं और डीएन प्लस पी मान लो चौबीसवीं रिंग की बात कर रहे हैं तो एक बार आपने बीसवीं और चौबीसवीं रिंग का डायमीटर देखना है एयर लेते हुए फिर आपको बोला जाएगी इस जैसे हम कहते हैं ना मैं भी जब छोटा था तो सोचता था कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे बता देते हैं हम कि वाटर का इतना होता है है कैसे पता चलता है। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट हमें हेल्प कर रहे हैं बताने में फिर वो मीडियम जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको जानना है तो उसको आपने वहां पर रख देना है तो आपने फिर मीडियम रखा तो रिंग्स जो है जो पहले जहां रिंग बन रही थी अब वहां नहीं बनेंगी रिंग अपनी पोजिशन को चेंज कर लेंगे बीसवीं रिंग का डायमीटर आपका चेंज हो जाएगा चौबीसवीं रिंग का भी डायमीटर आपका फिर से चेंज हो जाएगा तो अब आपने इसको बाहर रख देना बीसवीं और चौबीसवीं दोनों रिंग्स का डायमीटर आपका चेंज हो जाएगा तो ये आपके लिक्विड में वैल्यूज आ जाएंगी ये एयर में आ जाएंगी डायमीटर की लिक्विड में इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा ठीक है न्यूटन रिंग इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट की बात कर रहे हैं तो ट्रांसमिटेड लाइट में अगर हमें देखना है तो ट्रांसमिटेड ये वाले पैटर्न यहाँ आपको देखना पड़ेगा रिफ्लेक्टेड में यहां देखते हैं ट्रांसमिटेड में आप लोग यहाँ पे देखते हैं ठीक है तो इस तरीके से फॉर्मूला आता है तो ट्रांसमिटेड में भी फॉर्मूला तो आप फिर ड्राइव कर लेंगे टू म्यूटी कॉस आर वहां पर टू म्यूटी कॉस आर इज इक्वल टू एनलेमडा था तो कुछ नहीं कर रहे हैं देखो टू म्यूटी कॉस आर इज इक्वल टू एनलेमडा इसमें पुट करोगे तो डार्क का फॉर्मूला और ब्राइट का फॉर्मूला आ जाएगा ट्रांसमिटेड में भी ठीक है और ये आपके पास पैटर्न मिल जाएगा अंतर है दोनों पैटर्न में वहां पे अंदर डार्क था यहाँ पे अंदर ब्राइट बन रहा है ठीक है ये आपके पास इस तरीके से हमने देखा पूरा का पूरा हम लोग इसकी थ्योरी को डिस्कस कर सकते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जब मूव कर रहे हैं वो है हमारा न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की हमको बात करनी है आई होप चीजें थोड़ा सा मैं समझा ले रहा हूँ कि आपको बातें जो बोल रहा हूँ वो शायद समझ में आई होंगी फिर भी लास्ट में हम लोग ले लेंगे कुछ अगर हमारे क्वेश्चन रहते हैं अब आपके पास एक्सपेरिमेंट समझने में बहुत ज्यादा आपको टाइम लगना नहीं है सबसे पहले तो आप लैब के अंदर गए आपने बोला कि हमारी वर्चुअल अभी वर्कशॉप हुई है और टीचर ने वहां पूछिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में हाथ लगा के बेटा दिखा तो ये होता है ठीक है ये आना चाहिए देख लो पहले यहाँ पे इस तरीके का जो अपरेटस लिखा होगा वो न्यूटन रिंग आपका अपरेटस है इससे आपका न्यूटन रिंग आप फाइंड आउट कर रहे हैं ठीक है तो ये न्यूटन रिंग है इस तरीके से ये इनका मैंने लिया हुआ है बी आर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल उठा लिया है

स्टॉप शेयरिंग कर लेते हैं फिर से दोबारा से शेयर स्क्रीन में जाके करते हैं ठीक है hmm. ये अब दिख रहा है ऑपरेटर्स दिख रहा है न्यूटन रिंग का नहीं सर आपको उसको फिर से क्लिक करना पड़ेगा जो अब

उसको डबल क्लिक एक बार फिर से शेयर स्क्रीन में भी सीखा हुआ है, तो आपको ये सबसे पहले प्रैक्टिकल देख लेना है। इस तरीके का प्रैक्टिकल लैब में आपके पास होता है ठीक है न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है इसको मैंने ये बी आर अम्बेडकर के इंस्टीट्यूट के से लिया हुआ है आपको समझाने के लिए

अच्छा सॉरी प्लेट पी जो थी वो बॉटम में जो रखी थी वो प्लेट पी है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपका सी हो गया और आपके पास जी हमारे पास वो प्लेट हो गई जो हमने 45 डिग्री पे रखी हुई थी अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्किंग ये सारी थ्योरी मैं आपको करा चुका हूँ अभी ठीक है ये डायग्राम भी मैंने आपको समझाया था ये सोडियम लैम्प लिया है ये फोर्टी डिग्री पे ग्लास जी है ये ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं ये ग्लास प्लेट हो गया ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया ये आपकी प्लेन ग्लास प्लेट हो गई और ये आपका पैटर्न इस तरीके का दिखाई देगा ठीक है अभी जो थ्योरी सारी की सारी यहाँ पे एक्सप्लेन की है दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू की ये फार्मूला कहाँ कहाँ से आता है ठीक है स्टार्टिंग पार्ट में मैंने आपको शायद अब समझ में आ रहा होगा स्टार्टिंग पार्ट ये ये डायग्राम भी मैंने समझाया था ये सारी चीजें हम लोग अभी ईपी इंटू पी करके ये सारा फार्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं तो ये डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे डी एन स्क्वायर अगर एनएथ रिंग की बात कर रहे हैं तो एन लेमडा आर अपॉन यू अभी ये पढ़ाया था मैंने और एन एथ रिंग की अब बात करेंगे तो एम लेमडा आर बताएंगे और ये फार्मूला आपने अभी ड्राइव किया था ठीक है अब इस तरीके से देख लीजिए वहां पे एन प्लस पी ले रहे थे यहाँ पे इन्होंने फॉर्मुले को एक को एन ले ली, एक को ले एक एक मान लो आप चौबीस की बात कर रहे हैं तो एन आपका ट्वेंटी फोर हो गया और एम आपका ट्वेंटी हो गया फिर बच्चों मैंने बोला था अगर एयर फिल्म की बात करोगे तो ब्यू की जगह पे वन लिख दोगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ठीक है और आर आपको जनरली दिया रहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर दी रहती है नहीं भी दी रहेगी तो एल स्क्स एच प्लस एच बाई टू से आप इसको निकाल भी सकते हैं इस फॉर्मुले को लगा के प्रोसीजर क्या करना होता है आपने देखिए इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए लेवल द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप अपने सबसे पहले आपको क्या करना है पे माइक्रोस्कोप को ले लेना है मैं समझाता हूँ आपको इस तरीके से तो दिया हुआ है जिससे हम लोग आर को निकाल सकते हैं उसको समझाने के लिए दिया हुआ है अभी आप पहले इसमें इस तरीके से एक टेबल समझाता हूँ पहले यहाँ ध्यान दीजिए आप इस तरीके से आपको एक टेबल फॉर्म करनी है ठीक है उसमें आपको यहाँ पे रिंग लिखना है रिंग का नंबर यहाँ पे लिखना है यहाँ पे मेन स्केल यहाँ पे वर्निजर स्केल यहाँ पे टोटल आपको लिखना है ठीक है लेफ्ट हैंड साइड की अब थोड़ा सा आपको मेरी बात को यहाँ पे ऐसे समझना पड़ेगा मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ देखो आपने क्या करना है जब आप रिंग एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करेंगे तो आप इस तरीके से एक वहां पे ऐसे रिंग में आपको एक क्रॉस टाइप की ऐसा क्रॉस टाइप का दिखता है ठीक है जैसे आपके पास ये है ये क्रॉस दिख रहा होता है आपने पहले इसको लेफ्ट साइड में इस क्रॉस को लेके आना है ठीक है बच्चों फिर आप क्या करते हैं उसको घुमाते हैं तो ये जो रिंग है वो इधर की तरफ को शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी और बाद में ये जो क्रॉस है वो रिंग में इधर साइड आ जाएगा तो आपने क्या करना होता है एक बार लेफ्ट साइड की रीडिंग नोट करनी है एक बार तब जब क्रॉस लेफ्ट में है एक बार जब राइट right में मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए ओरिजिन मान लेता हूँ ठीक है ओरिजिन से ओरिजिन से दस सेंटीमीटर पे मेरा लेफ्ट एंड आ रहा है और राइट right एंड मेरा आ रहा है मान लो फोर्टीन सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड 10 सेंटीमीटर पे आ रहा है राइट हैंड 14 सेंटीमीटर पे आ रहा है सिंपल रेडियस की अगर मैं वैसे सिंपली शब्दों में अगर बात करूंगा तो 4 सेंटीमीटर हो गई तो इसको हम लोग माइनस करके निकाल सकते हैं तो so, यहाँ पे आपने क्या कर रखा है देखिए आपने पहले लेफ्ट में निकालना है राइट right में निकालना है एक्यूरेसी के लिए मेन स्केल वर्नियर स्केल की बात हम लोग करते हैं यहाँ पे और अपने डीएन जो निकालना है लेफ्ट माइनस राइट या राइट माइनस लेफ्ट आप कुछ भी कर सकते हैं जो ज्यादा होगा उसमें से कम को आप माइनस कर लेंगे ठीक है समझ रहे हैं आपने क्रॉस देखना है क्रॉस को एक बार लेफ्ट में रखना है एक बार राइट में रखना है लेफ्ट की रीडिंग नोट करनी है राइट की रीडिंग नोट करनी है उनको आपने माइनस कर देना है तो वो आपका डायमीटर ऑब्बियस ही बात है जैसे मैंने बोला एक बार क्रॉस यहाँ एक क्रॉस यहाँ आ रहा है तो दो अगर सिचुएशन में आप लोगों उनको माइनस कर दोगे तो यही यही तो आएगी बीच की डिस्टेंस तो आपने ये किया फिर इसमें मेन स्केल वर्नियर स्केल लेना है यहाँ पे डीएन आएगा ये डीएन स्क्वायर फिर कोई एम एथ रिंग की आप बात करें जिससे आप कंपेयर करके बात करेंगे तो डीएन माइनस डी एम स्क्वायर आप लोग यहां से लिखने अभी और मैं कुछ चीजें समझा रहा हूँ थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिए यह आपके पास स्टेबल है और एक छोटा सा अगर समय रहेगा तो हम लोग फिर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर दिखा सकते हैं नहीं तो उसको गूगल में जाके यूट्यूब में जाकर के खुद से भी देख सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो अब यहाँ से ध्यान से समझना अब आपके पास ये मेन स्केल और इनकी बात हम करते हैं तो देखिए आप थोड़ा सा जैसे आपको मेन स्केल रीडिंग की बात करनी है हाँ अब आप यहाँ ध्यान दीजिए इस तरीके से आपको स्केल दिखाया जाएगा वर्नियर स्केल ऑफ द माइक्रोस्कोप ठीक है ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं तो आपने करना क्या है लाइट को स्विच ऑन करना है स्विच ऑन करके आपके पास उस माइक्रोस्कोप से आपने देखना है सिचुएशन को सेट करना है रिंग्स बनती हुई दिखेंगी आपको फिर रिंग्स बनने के बाद आपने एक बार लेफ्ट लेना है एक बार राइट right लेना है उनकी रीडिंग्स को नोट करना है माइनस करके डायमीटर्स आपके पास निकल जाएंगे अब थोड़ा सा मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ठीक है मेन स्केल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो अगर आप जब लैब में जाके देखेंगे तो मेन स्केल डिवीजन की जब आप लोग बात करते हैं तो मेन स्केल में आपको डिजन मिलेंगे तो वहां पे आपके पास 20 डिविजन होते हैं और दो डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2 सेंटीमीटर की रीडिंग होती है स्केल में डिवीजन की जब आप बात करते हैं तो वहां पे 50 टोटल डिवीजन होते हैं और अगर आपको लीस्ट लीस्ट काउंट निकालना है जो लीस्ट काउंट की आप बात करते हैं तो वो होता है आपका अब देखो वहां ट्वेंटी डिविजन है वहां वहां तो वन बाय ट्वेंटी अपॉन वन बाई वन बाय ट्वेंटी अपॉन फिफ्टी आप करते हैं तो सॉल्व करके वो निकल के आता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन तो जो आपके पास यहाँ पे आ, लीस्ट काउंट की वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन कैसे निकालना है मेन स्केल में ट्वेंटी सेक्शन है तो वन बाई ट्वेंटी वन स्केल में फिफ्टी डिविजन होते हैं 50 करना है तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं फिर उसके बाद आपने करना है कि अगर आपको मेन स्केल की रीडिंग निकालनी है तो मेन स्केल रीडिंग की बात करते हैं तो स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं देखिए सबसे पहले आपने मेन स्केल की रीडिंग को काउंट कर लेना है ठीक है मेन स्केल रीडिंग काउंट कर लेनी है वन ईयर स्केल रीडिंग का आउट कर तो एक फॉर्मूला बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं कि आपको करना है रीडिंग निकालनी है तो आपको मेन स्केल रीडिंग करनी है मेन स्केल रीडिंग आपकी जो भी है वो नोट करनी है आपको प्लस देखिए उस पॉइंट को देखना होता है जहां पे आपका जो लीस्ट जो आपका जो आपके पास वर्नियर वाला है और मेन स्केल है वो जहां पे इंटरसेट करते हैं फिर बोल रहा हूँ उस पॉइंट को हम लोग काउंट करते हैं जहां हम लोग दोनों एक दूसरे को इंटरसेट कर रहे हैं तो वहां पे आपने मेन स्केल की रीडिंग ले ली और आपने वर्नियर स्केल की लगा ली तो आपके पास लिव क्या आती है देखो

छोटा सा वीडियो दिखाना चाह रहा था अब इस इस वीडियो को मैं चला रहा हूं आप इसमें देखिए आपको बहुत इन शॉर्ट समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है Newton's rings The phenomenon of Newton's rings named after Isaac Newton is an interference pattern caused by the reflection of light between two surfaces a spherical surface and an adjacent flat surface When a parallel beam of monochromatic light is incident normally on a combination of a plano convex lens and a glass plate a part of each incident ray is reflected from the lower surface of the lens and a part after refraction through the air film between the lens and the plate is reflected back from the plane surface. These two reflected rays are coherent, hence, they will interfere and produce a system of alternate dark and bright rings. Apparatus Monochromatic light Wooden mount This is a rectangular shaped box at the bottom of which we place plain glass material and the lens. Light is directed to the lens through this reflector. Optically flat glass plate. A plano-convex lens. Traveling microscope. Procedure. Turn on the sodium lamp. Place a plano-convex lens on the plain glass plate with curved surface in contact with the glass plate and place the system inside a mount placed under a traveling microscope. The reflector on the mount will direct light onto the optical system focus the traveling microscope to see the bright and dark circular fringes fix a vertical crosswire of the microscope on the 20th bright ring at leftmost end and record the reading on the horizontal scale repeat these measurements for microscope movement from left to right and evaluate the diameters of different rings hello left or right reading And evaluate the 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 of of different rings. Cross wire of the microscope the cross -wire on the twin आपको करके दिखाई दी वहाँ पे उस cross wire की बात कर रहे हैं वो ये जो बन रहा है एक बार वो left side में ले रहे हैं twentieth ring का आपने ले लेना है एक बार left side ले लेना है, एक बार right side ले लेना है उनका difference निकालना है, तो देखो ये जो plus का sign है एक बार अभी यहाँ है फिर इसको ये shift करके इधर side लेके जाएंगे तो ट्वेंटी ring है मान लीजिए एक दो तीन चार ऐसे मान लो ये दसवीं ring है जो भी है इस लेफ्ट से फिर आप राइट right तक जाएंगे तो ये आपका यहां से लेके वहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो उस पर्टिकुलर रिंग की डायमीटर हो जाएगी वही कह रहे हैं into the bright ring at left the reflector on the mount will direct light onto the optical system focus a traveling microscope to see the bright and dark circular fringes Fix a vertical crosswire of the microscope on the 20th bright ring at leftmost end and record the reading on the horizontal scale. Repeat these measurements for microscope movement from left to right and evaluate the diameters of different rings. Calculations. The main scale has 20 divisions in between 2 cm readings, and the vernier scale has 50 total divisions. So, the least count of microscope is 1 by 20 divided by 50 is equal to 0.001. Take the reading of main scale just before the zeroth position of vernier scale. Only one line of the vernier scale will coincide with the main scale. Take the reading of that point from vernier scale. So, the reading can be calculated as main scale reading plus the product of vernier scale reading and least count.